माफ कर दे, हमने तो माफ कर दे। दुनिया के हर रिश्ता में कुछ ना कुछ। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता, बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनकी फ़ोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिकलाल है। रसिकलाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी फिल्म लाडला 2 फिल्म की फुल हिंदी में स्टोरी एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड स्टार कास्ट के बारे में, और ये भी जानेंगे कि ये मूवी हिट हुई थी या फ्लॉप। तो फ्रेंड्स, लाडला फिल्म केसरी लाल यादव की फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर आ गया है और ये फैंस को खूब पसंद आ रहा है। फैंस का कहना है कि केसरी लाल यादव की यह फिल्म ब्लैकबस्टर होगी। खुद केसरी लाल भी लाडला 2 को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं। देखिए फिल्म का ट्रेलर। केसरी लाल यादव की फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर आ गया है जो कि फैंस को पसंद आ रहा है। और भोजपुरी फिल्म लाडला 2, केसरी लाल यादव की फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर भोजपुरी के फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। लाडला 2 के निर्देशक प्रेमांशु सिंह हैं जो एक बार फिर से एक बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं। फिल्म में केसरी लाल यादव के अलावा माया यादव और मेघा श्री मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म 2015 में आई लाडला का सीक्वल है जो माँ और बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्म है। लाडला 2 की बात करें तो इसकी कहानी पहले पार्ट से बिल्कुल अलग है। फिल्म के पार्ट में शूटिंग इंडिया में हुई थी और इस पार्ट की शूटिंग लंदन में हुई है। उसी तरह इस फिल्म की कहानी भी अलग है। लाडला 2 में केसरी लाल यादव अपनी माँ को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनको प्यार मेघाश्री से हो जाता है। फिर शुरू होता है माँ और प्रेमिका के बीच का द्वंद, जो इस प्रकार फिल्म को अलग लेवल पर लेकर जाता है। लाडला 2 का ट्रेलर में फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक लाडला 2 को लेकर केसरी लाल यादव ने कहा है कि इस फिल्म की कहानी मेरे दिल के करीब है, अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम कलाकार हैं तो यही काम करते हैं। उम्मीद है कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आने वाली है। तो लाडला 2 को अभिनय सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर कहा है कि यह एक सामाजिक और पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने बेहद शानदार काम किया है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी। फिल्म की रिलीज डेट हम जल्द ही साझा करेंगे। लाडला 2 में अमित, अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोड़ा और गजेंद्र प्रताप द्विवेदी भी हैं। फिल्म को प्रेमांशु सिंह ने डायरेक्ट किया है। भोजपुरी फिल्म लाडला 2 प्रेमांशु सिंह ने निर्देशित किया है और अभिनय सिन्हा ने निर्माण किया है। इस फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा और भोजपुरी फिल्म लाडला 2 के निर्माताओं ने आगामी फिल्म का पहला लुक जारी कर दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। फिल्म में गायक अभिनेता केसरी लाल यादव और मेघा श्री मुख्य भूमिका में हैं। पोस्टर केसरी लाल यादव भावुक दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के पोस्टर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक फैमिली वाली कहानी पर फिल्म होगी, क्योंकि अभिनेता अपनी ऑन स्क्रीन माँ को प्यार से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पोस्टर में मेघा श्री एक कॉलेज गर्ल के रूप में नजर आ रही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार केसरी लाल यादव की अपकमिंग फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में माँ और पत्नी के बीच लड़ाई की कहानी है। ट्रेलर देखकर कहानी के बारे में पता चलता है। यह एक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में केसरी लाल यादव माँ के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें दूर रखना चाहती हैं। फिल्म का ट्रेलर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक लव स्टोरी और फैमिली के बीच की थीम पर होगी, क्योंकि अभिनेता केसरी लाल यादव अपनी स्क्रीनिंग अप माँ को प्यार से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनय सिन्हा का कहना है कि लाडला 2 में माँ बेटे के प्रेम और अनमोल रिश्ते की कहानी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है। इसका निर्माण हमने भव्यता के साथ किया है और इस फिल्म का पहला पार्ट सुपर डुपर हिट रहा था।
तो फैंस को भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म और म्यूजिक वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस से चाहने वालों को निराश किया हो, फिर देर की किस बात की है। भोजपुरी एक्टर की अपकमिंग फिल्म लाडला 2 देखने के लिए तैयार रहिए। फिल्म रिलीज होने में अभी वक्त है, लेकिन तब तक आपको लाडला 2 का खूबसूरत पोस्टर दिखा देते हैं। तो लाडला 2 का पोस्टर, अभिनय सिन्हा द्वारा निर्मित भोजपुरी फिल्म लाडला 2 का फर्स्ट लुक आज आउट कर दिया गया है। इस फिल्म में सुपर स्टार खेसारी लाल यादव मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म के फर्स्ट लुक में खेसारी लाल यादव के साथ साथ माया यादव नजर आ रही हैं। ये फिल्म लाडला का सीक्वल है, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। तब से ये फिल्म ब्लैकबस्टर रही थी और उसके दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब इस फिल्म का सीक्वल लाडला 2 के रूप में बनकर तैयार हो चुका है, तो जिसका ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज होगा। माँ बेटे के प्रेम पर बनी यह फिल्म है। अभिनय सिन्हा का कहना है कि लाडला 2 में माँ बेटे के प्रेम और अनमोल रिश्ते की कहानी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर आधारित है। इसका निर्माण हमने भव्यता के साथ किया है और इस फिल्म का पहला फर्स्ट पार्ट सुपर डुपर हिट रहा था, इसीलिए मैंने इस फिल्म को इस तरह से बनाया है कि कहानी लोगों को एक इंटरटेन करे और उन्हें फिल्म के यूनिक होने का एहसास भी हो। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की नवीनतम फिल्म लाडला 2 कल यानी कि 22 सितंबर को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है। ये उनकी पिछली फिल्म लाडला का सीक्वल है, जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म माँ और एक बेटे के रिश्ते के बारे में है, जो साबित हुई है कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही है। अब देखें कि सीक्वल जनता के बीच में कैसा प्रदर्शन कर पाता है कि नहीं। यह एक मीडिया हाउस द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के मुताबिक फिल्म को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्लिप में प्रशंसक फिल्म का सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वे लाडला 2 फिर से देखेंगे। हम हर आयु वर्ग के प्रशंसकों को फिल्म के प्रीमियम में भाग लेते देख सकते हैं। कुछ प्रशंसकों ने कहा है कि उन्हें लाडला 2 में रोमांस का एंगल और गाने पसंद आए हैं, जबकि अन्य ने कहा है कि यह एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है। लाडला 2 का निर्देशन प्रेमांशु सिंह ने किया है और फिल्म के कलाकारों में खेसारी लाल यादव, मेघा श्री, माया यादव, अमित अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोरा और गजेंद्र प्रताप द्विवेदी शामिल हैं। इसके निर्माता अभय कुमार सिन्हा और सह निर्माता अनिल कुमार सिंह और विवेक कुमार हैं। फिल्म के गीतकार अरविंद तिवारी हैं, विनय निर्मल, सत्य समारकर और बबुआ विकास हैं और संगीत ओम ओझा ने संभाला है। रिपोर्ट्सों के मुताबिक पहली फिल्म की शूटिंग देश में हुई थी, जबकि सीक्वल की शूटिंग लंदन में हुई थी। खेसारी लाल यादव को 2011 में फिल्म साजन चली ससुराल से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उन्होंने 2014 में फिल्म कोयांचल के लिए AK-47 के साथ बॉलीवुड में सिंगिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म ग्लोबल बाबा से डेब्यू किया और उन्होंने इस फिल्म के लिए होली में उड़े नाम से एक गाना भी गाया था। उन्हें 2019 में रियलिटी टीवी शो बिग बॉस हिंदी त्यारा में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में भी देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक प्रेमांशु सिंह कि लाडला 2 में खेसारी लाल के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मेघा श्री और माया यादव अहम रोल में हैं। ये मूवी साल 2015 में आई लाडला का सीक्वल है। फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से सुपर हिट डुपर हिट बनाया है। तो भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन यानी कि खेसारी लाल यादव इन दिनों एक से बढ़कर एक भोजपुरी फिल्में ला रहे हैं। इसी बीच अब उनकी फिल्म लाडला 2 का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को लेकर खेसारी लाल बीते काफ़ी वक्त से चर्चा में बने हुए हैं। मूवी का ट्रेलर और सॉन्ग आउट होने के साथ साथ फैंस ने फिल्म के रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गया है। वहीं ट्रेलर ने फैंस की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। ये ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। माँ के प्यार के आगे भूल गई सारी दुनिया, यासी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कृत और अभिनय सिन्हा निर्मित भोजपुरी फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर आज यानी कि 14 अगस्त को इंटरटेन और रंगीला और यसी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। करीब 4 मिनट के इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक बेटा अपनी माँ के प्यार में पूरी दुनिया को भुला देता है। उसकी माँ ही उसके लिए भगवान है और इस फिल्म में खेसारी लाल को पानी के लिए जाल बुनती है उनकी प्रेमिका आई। तो निर्देशक प्रेमांशु सिंह को लाडला 2 में खेसारी लाल के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मेघा श्री और माया यादव अहम रोल में हैं। ये मूवी साल 2015 में आई लाडला का सीक्वल है।
इस मूवी में दिखाया गया है कि केसरी लाल यादव को पाने के लिए उनकी प्रेमा यानी कि मेघा श्री न जाने कैसे कैसे चाल चलती हैं। वह केसरी लाल की माँ से कहती हैं कि उन्हें पति चाहिए, माँ की पल्लू में बंधा हुआ बच्चा नहीं। फिर शुरू होता है माँ और प्रेमिका के बीच की जंग। इस द्वंद्व पर आधारित है लाडला टू। इसके निर्माता अभिनय सिन्हा, इनमें केसरी लाल यादव के साथ अमित, अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोरा, गजेंद्र प्रताप द्विवेदी मुख्य भूमिका में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। लाडला टू फिल्म में एक्ट्रेस हैं मेघा श्री। मेघा श्री जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो मेघा श्री एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़, तेलुगु और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में काम करती नजर आ रही हैं। उन्हें अलौकिक टेलीविजन श्रृंखला नागकन्निके और ज्योति में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म बेंगलुरु कर्नाटक भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता है भारतीय। इनका पेशा है अभिनेत्री और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2015 से वर्तमान तक तो उसी वर्ष तेलुगु फिल्म अनाग नागा ओका चित्र में अभिनय करने से पहले मेघाश्री ने तेलुगु फिल्म पंचमुखी 2015 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उन्होंने काका का अबाथिन अरिकुरी 2017 से तमिल में डेब्यू किया था और उसी वर्ष उन्होंने फिल्म 22 मार्च से कन्नड़ में पदार्पण किया और ऑक्सीजन में सहायक भूमिका में अभिनय किया था। तब मेघाश्री ने जूनियर एनटीआर की सबसे हिट अरविंद समिता वीरा राघव 2018 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो कृष्णा तुलसी 2018, कद्दू मुच्ची 2019 और दशरथ 2019 सहित कई कन्नड़ फिल्मों में दिखाई दी हैं। डेक्कन कार्निकाल द्वारा कृष्ण तुलसी की समीक्षा में समीक्षक ने लिखा है कि मेघाश्री ही हैं जो इस फिल्म में इसके साथ साथ अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही हैं। और बाद में उन्होंने कन्नड़ टेलीविजन धारावाहिक नागा कन्निके और इवालू सुजाता में मुख्य भूमिका निभाती नजर आई हैं। वर्ष 2019 में बिग बॉस कन्नड़ सीजन 6 में वर्ल्ड वाइड एंट्री के रूप में दिखाई दी हैं और 2021 में मेघाश्री ने एक अलौकिक टेलीविजन श्रृंखला ज्योति में शीर्षक भूमिका निभाई है जो नंदिनी की अगली कड़ी थी। 2022 में भोजपुरी में डेब्यू करने के बाद उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में फरिश्ता में केसरी लाल यादव के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म ब्लैकबस्टर रही और पिछले 10 वर्षों के लिए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाडला टू में केसरी लाल यादव ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाया गया रोल माँ और बेटे के बीच का अहम रोल है, तो इस रोल को इन्होंने अपनी बखूबी अंदाज और तरीके से निभाया है। तो उनके द्वारा निभाए गए रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं। जिन्हें पेशेवर रूप से केसरी लाल यादव के नाम से जाना जाता है और वो एक भारतीय अभिनेता, गायक, नर्तक और मॉडल भी हैं जो मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं और इनिशियलजिम के LY के नाम से भी जाने जाते हैं। यादव 70 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 5000 से अधिक गानों में गायक के रूप में प्रदर्शन किया है। उन्होंने भोजपुरी के अलावा हिंदी, अवधी और हरियाणवी भाषाओं में भी काम किया है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म शत्रुघ्न कुमार यादव के नाम से हुआ था, जिन्हें 15 मार्च 1986 को इनका जन्म हुआ था और धानाडीह सरण बिहार भारत में इनका जन्म हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, गायक और नर्तक भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2011 से वर्तमान तक और इन्हें जाना जाता है गायना सैया आई अरब गईले ना। और इनकी जीवन संगनी हैं चंदा देवी। इनके 2 बच्चे हैं और बिहार के छपरा में जन्मे केसरी लाल यादव ने 2000 के दशक के अंत में अपना गायन करियर शुरू किया और वर्ष 2011 में साजन चले ससुराल में दिखाई देने के बाद उनका अभिनय करियर स्थिर रहा था। उन्होंने 2014 में फिल्म कोयांचल में AK-47 के साथ एक गायक के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उन्होंने 2016 के भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार जीता और इसके बाद 2018 में मेहंदी लगा के रखना में अपनी उपस्थिति के सबरंग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार जीता था। वर्ष 2019 में उन्होंने फिल्म संघर्ष में अपनी भूमिका के लिए 4 और पुरस्कार जीते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 11 में भाग लिया और वर्ष 2020 में उनका तीसरा हिंदी फिल्म गीत और पहला हिंदी भाषा का एकल लड़की पटाना सोनी म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में तेरे मेरे दरमियान आया, इसके तुरंत बाद उन्होंने बादशाह के साथ सहयोग किया और पानी पानी गाने को भोजपुरी भाषा में दोबारा बनाने के लिए। उन्होंने वर्ष 2022 में उन्होंने अपनी फिल्म आस्किम
से पटकथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और यूट्यूब ने 2022 के शीर्षक भारतीय गीतों की सूची में उनके दो गीतों को शामिल किया था। खेसारी लाल यादव का जन्म शत्रुघ्न कुमार यादव के 15 मार्च 1986 को बिहार के सरण जिले के थानाडीह गांव में हुआ था। वे कम आय वाले परिवार से थे। बचपन में उनकी अधिक बोलने की आदत के कारण उन्हें मंच पर नाम खेसारी मिला, जो खेसारी के साथ सम्मान था। एक फसल जिसे किसी ने पानी या उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है और कहीं भी ठीक उगती है। उनका जन्म अपने घर में नहीं हुआ था, क्योंकि उनके माता पिता का मिट्टी का घर बारिश में ढह गया था और उन्हें एक पक्का घर किराए पर लेना पड़ा था। जहां खेसारी लाल यादव जी का जन्म हुआ था, उनके पिता मंगरू लाल यादव घर का खर्च चलाने के लिए सुबह सड़क पर चना बेचा करते थे और रात में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया करते थे। खेसारी लाल यादव 7 भाई बहनों में से एक हैं, जिनमें से 3 उनके भाई हैं और अन्य 4 चाचा के बेटे हैं, जिनकी मां की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। उन्हें पालने के लिए खेसारी लाल की मां आगे आई। उनके पिता दिल्ली में कमाते थे और वो अपनी मां और चाचा के साथ छपरा में रहते थे। बाद में उनकी मां भी घर के कामों में अपने पति की मदद करने के लिए दिल्ली चली गई थी और खेसारी लाल अपने भाई बहनों और चाचा के साथ रहने लगे थे। खेसारी लाल यादव बचपन में मवेशी चराया करते थे और उनका दूध बेचते थे। उनका विवाह चंदा देवी से हुआ था, जिसने उन्होंने 2006 में विवाह किया था। और कहा जाता है कि यादव अपनी पत्नी के प्रति बहुत समर्पित थे, उन्हें अपना भाग्यशाली आकर्षण कहते थे और उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। सन 1998 और 99 के दौरान खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी थिएटरों में एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जहां वे रामायण और महाभारत में गाते थे। उन्होंने भोजपुरी लोक नृत्य लौंडा नाच भी सीखा। बाद में वो दिल्ली के ओखला भी चले गए थे, जहां उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी के साथ लिट्टी चोखा बेचना शुरू कर दिया था। लिट्टी चोखा बेचने के बाद बचाए गए पैसों से उन्होंने 12,000 खर्च करके अपना एक एल्बम लॉन्च किया था, लेकिन ये एक बड़ी फ्लॉप रही थी। इसके बाद उन्होंने गुड्डू रंगीला के साथ नौकर के रूप में काम करना शुरू किया था उनके घर में, जो उन दिनों एक प्रसिद्ध भोजपुरी गायक थे। कुछ पैसे बचाने के बाद उन्होंने फिर से अपना दूसरा एल्बम लॉन्च किया था 25,000 रुपये खर्च करके, जिसे दर्शकों से बेहतर प्रतिक्रिया मिली और उन्हें कुछ प्रसिद्धि भी मिली थी। उसके बाद उन्हें विभिन्न संगीत कंपनियों से परियोजनाओं में निवेश मिलना शुरू हो गया था, लेकिन मार्केटिंग उन्हें खुद ही करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया था कि वो खुद बिहार और यूपी के कई जिलों में अपना एल्बम कैसेट का प्रचार करते थे। दिन में रात में जहाँ भी गायन और नृत्य का कार्यक्रम होता, वो ट्रेन से जाते थे और वहाँ साउंड ऑपरेटर को कुछ पैसे देकर अपना गाना बजाने के लिए कहते थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मान भी जाते थे, लेकिन कुछ लोग काली गलौज पर उतर आते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी उनके पैसे ऐसे ही खर्च हो जाया करते थे और कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो बिना खाए ही सो जाते थे। गायक के रूप में सफलता पाने के बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चले गए थे। खेसारी लाल यादव ने खुलासा किया कि मनोज तिवारी के मैनेजर ने उन्हें गुपचुप तरीके से तिवारी के घर पर रखा था और इस अवधि में उन्होंने लड़ाई सीखी और फिर आलोक कुमार के साथ साजन चले ससुराल में अभिनय किया, जो हिट रही और एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं खेसारी लाल यादव के जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था। तो उन्होंने 2012 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनमें से उन्होंने साजन की मुख्य भूमिका निभाई और एक गांव का लड़का है जो उस लड़की से शादी करने के लिए शहर जाता है। उसके साथ उसकी शादी बचपन में तय हुई है। उनकी दूसरी फिल्म है जान तेरे नाम थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया था जो अभिनेता बनना चाहता था। अक्षय कुमार अपने एक लेख में लिखते हैं कि फिल्म सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में एक संवाद स्थापित करती है जो संपाती परिवार को चुनौती देती है और उसकी विकृत चिंताओं को जागृत करती है। 2012 और 16 के बीच उन्होंने नागिन 2012, ए बलमा बिहार वाला 2013, छपरा एक्सप्रेस 2013 और प्रतिज्ञा 2 2014 और खिलाड़ी 2016 सहित 42 भोजपुरी फिल्में की हैं, जिन्होंने सर्वंग फिल्म अवार्ड्स में 4 पुरस्कार जीते हैं। सन 2016 में उन्होंने ग्लोबल बाबा में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिनमें उन्होंने होली में उड़े नामक एक गाना गाया और इसमें संदीपा धर और पंगज त्रिपाठी के साथ प्रदर्शन भी किया था। मेहंदी लगा के रखना 2017 में उनकी भूमिका के लिए, जो तेलुगु फिल्म अदावरी मतलाकू अर्थले वेलू का रीमेक है। उन्होंने सवरंग फिल्म अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता था।
माई सेहरा बांध के आऊँगा, 2017 मुकद्दर, 2017 डमरू, 2018 दुल्हन गंगा पार के, 2018 जैसी फिल्में करने के बाद वो संघर्ष 2018 में दिखाई दिए थे, जो नारे का समर्थन करने वाली एक सामाजिक फिल्म थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिल्म के अलग अलग अवार्ड शो में सन 2018 में खेसारी लाल यादव ने नागदेव में अभिनय किया था, जो VFX का उपयोग करने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी। फिल्म के लगभग 40% दृश्यों में से VFX का उपयोग किया गया था और ये VFX का उपयोग करने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी। इस अवधि में उनकी अन्य फिल्में बलम जी लव यू 2018, दबंग सरकार 2018, कुली नंबर 1 2019 है। उनकी फिल्म बागी अयोध्या एक देशभक्ति फिल्म थी, जिसमें मुजफ्फरपुर आश्रम मामले के बारे में विवाद की गई थी। उन्होंने भाग केसारी भाग 2019 नाम की एक स्पोर्ट फिल्म भी की थी, जो 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लेकर टेलीविजन पर भी अपनी शुरुआत की थी। और उनकी फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 2020 तमिल फिल्म वेलैया पट्टाधारी की रीमेक है। उनकी दुल्हन वही जो पिया मन भावे 2021 विदेश में शूट होने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म का 90% हिस्सा लंदन में शूट किया गया था और 2021 में उनकी 3 और फिल्में विदेशों में शूट की गई थी। चोरी चोरी चुपके चुपके, प्यार किया तो निभाना शूटिंग लंदन में हुई थी, जबकि सैया अरब गैलेना की शूटिंग दुबई में हुई थी। 2022 में उनकी पहली रिलीज थी आशिकी, जिसमें उन्होंने पटक कथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और एक उच्च जाति के लड़के की भूमिका निभाई जो अपने प्यार के लिए पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। उन्होंने अगली बार शादी हो तो ऐसी में अभिनय किया, जो मई में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दुल्हनिया लंदन से लाएंगे में अभिनय किया था, जिसे लंदन में शूट किया गया था और उनके सह कलाकार ब्रिटिश कलाकार ग्रेस रोडर्स और मधु शर्मा थे। उनकी अगली फिल्म राउडी इंस्पेक्टर अगस्त 2022 में भारत के कुछ हिस्सों में अलग अलग तरीकों पर और अलग अलग तारीखों पर रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशन तेलुगु में किया था, जिसे निर्देशक शंकर ने किया था। मेघाश्री ने यादव के साथ मुख्य भूमिका निभाई और उनकी भोजपुरी पहली फिल्म थी। अगस्त 2022 में उन्होंने सपना चौधरी के साथ म्यूजिक एल्बम मटक मटक से हरियाणवी डेब्यू किया था। उनकी अगली भोजपुरी फिल्म डोली सजा के रखना सितंबर 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म को 25 मल्टीप्लेक्स सहित भारत और नेपाल में कई स्क्रीन मिली। इसे 24 अक्टूबर को उनकी फिल्म बोल राधा बोल रिलीज हुई थी, जो 2022 की उनकी आखिरी फिल्म राजा की आएगी बारात थी, जो दिसंबर में रिलीज हुई थी। 2023 में उनकी पहली फिल्म फरिश्ता थी, जो 9 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का किरदार निभाते नजर आ रहे थे। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी भोजपुरी हिट थी। सिनेमाई घरों में हफ्तों तक हाउसफुल चलती रही थी। उसके बाद लाडला 2 सितंबर 2023 में रिलीज हुई और अक्टूबर में उन्होंने संघर्ष 2 में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जो बजट के मामले में उनकी सबसे बड़ी फिल्म थी। इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो दोस्तों, इस फिल्म में संगीत दिया था अपनी शुरुआती दिनों में यादव रामायण और महाभारत में गाते थे। उनका पहला एल्बम 2008 में रिलीज हुआ था। कुछ शुरुआती प्रसिद्धि गाने हैं, सैया अरब गईले ना, पियवा रहिले सऊदी रे भौजी, माल भेटाई मेला में। 2014 में उन्होंने कोयांचल के गाने AK-47 से एक गायक के रूप में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। 2016 में उन्होंने फिल्म ग्लोबल बाबा के लिए अपना दूसरा बॉलीवुड गाना होली में उड़े गया, जिसे गाया था। 2017 में उन्होंने सर्वंग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता और उर्सवश उनके लिए उल्लेखनीय गीत कौना देवता के गरहल संवारल और जान गईले ना। 2018 में उन्होंने एकल प्रेम का मिल गल से सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक ठीक है रिलीज किया, जो 2020 में उन्होंने अपना तीसरा बॉलीवुड गाना और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा निर्मित पहला सिंगल लड़की पटाना रिलीज हुआ था, जो 2021 में उनका दूसरा बॉलीवुड सिंगल तेरे मेरे दरमियान इन बिटवीन आई एंड यू रिलीज हुआ था। खेसारी लाल यादव ने प्रसिद्ध हिंदी गीत पानी पानी के भोजपुरी संस्करण में बॉलीवुड रैपर बादशाह के साथ सहयोग किया था, जिसे मूल रूप से आस्था गिल और बादशाह ने खुद गाया था। भोजपुरी संस्करण सारे गामा के तहत रिलीज किया गया था और बाद में बादशाह ने भोजपुरी भाषा में रैप किया और इस गाने को YouTube पर अपलोड होने के 60 मिनट के भीतर 10 लाख से अधिक बार देखा गया था और ऐसा करने वाला ये पहला भोजपुरी गाना बन गया था। उन्होंने अपने अगले बॉलीवुड सिंगल रोमांटिक राजा में गायिका और संगीतकार शिप्रा गोयल के साथ काम किया है। उनकी कोरियोग्राफ मुकद्दर का सिकंदर रही थी, जिसे मुस्तदर खान ने की थी और गीत कुणाल वर्मा ने लिखे थे। उनका दूसरा हिंदी एकल था
टेढ़ी पर मेरी है और भोजपुरी एकल था। लड़की का रोग न पालो, नया साल नया माल हो, तो केसारी लाल यादव ने दो घूंघट गाना गाया और जो 2022 का उनका पहला भोजपुरी सिंगल गाना था। ये गाना 1973 की बॉलीवुड फिल्म झील के उस पार के गाने दो घूंट मुझे पिला दे शराबी का रीमेक था। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और एकल आशिकी प्रेमी जारी किया था, जिसका वीडियो जर्मनी में शूट किया गया था। कुछ होली गीत जारी होने के बाद उन्होंने ड्रीम मी एंट्री रिलीज की और उन्होंने अपनी फिल्म आशिकी में 6 गाने गाए हैं और 2023 में होली गाने रिलीज किए हैं। उन्होंने आगे एक चैता गीत ले ले आइकन कोका कोला, जिसे अनुवाद किया है बिग कोका कोला ने जारी किया है, जो वैश्विक यूट्यूब संगीत चार्ट में शीर्ष पर रहा है, और एक भोजपुरी सिंगल नथुनिया द नोज रिंग में चार्ट में टॉप 5 में जगह बनाई है। साल का उनका पहला हिंदी सिंगल कमरिया कोका कोला अप्रैल 2022 में टी सीरीज द्वारा रिलीज किया गया था। उन्होंने सलीम सुलेमान की रचना सुनामी पर गाना गाया था, जो जून 2022 में रिलीज हुई और एक हिंदी गाना थी। उसे महीने में उन्होंने एक और हिंदी सिंगल उनके दिल में इन हर हार्ड रिलीज किया था। उन्होंने इसके बाद अगस्त में भोजपुरी सिंगल यूपी बिहार रिलीज किया गया था। इसके बाद अगस्त में एक हिंदी सिंगल या खुदा या हे भगवान जारी किया गया था। उन्होंने प्रसिद्ध बंगाली गीत बंधु 3 दिन बाड़ी 3 डेज को भोजपुरी में फिर से बनाया गया था। इसके बाद केसारी लाल यादव ने दो हिंदी सिंगल रिलीज किया। पहला था बारिश, बारिश को 9 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया गया था, जिसमें दो अमेरनियाई मॉडल पार और सेड़ा शामिल थे। वीडियो में अमेरनिया में शूट किया गया था। जो दूसरा था महफिल, जिसके साथ उन्होंने संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की और उन्होंने एक खुद भोजपुरी एकल दिल टूट हो गया। इसे नवंबर के सप्ताह में उनका एकल तबला रिलीज हुआ था, जिसके लिए नथुनिया और ले ले आइन कोका कोला को 2022 में शीर्ष भारतीय गीतों की यूट्यूब वार्षिक सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, फिल्म फरिश्ता के उनके गाने पगले बना दी राम जी को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली और रिलीज के 24 घंटे के भीतर 3.6 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। मार्च में उनका एकल नागिन रिलीज हुआ था, जिसे रिलीज के पहले 24 घंटे में 5.5 मिलियन व्यूज मिले थे, जिसे 22 अप्रैल को उन्होंने आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जॉइंट के एंथम खेले सुपर जॉइंट्स लखनऊआ जारी किया था, जिसे सितंबर 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केसारी लाल यादव को सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी अन्य कंपनी से जुड़ने से रोक दिया है। तो केसारी लाल यादव फाउंडेशन नामक एक एनजीओ चलाते हैं, जो देश भर में धर्मार्थ कार्य करते हैं, और वो 62 अनाथ बच्चों के अभिभावक हैं और उनकी शिक्षा का खर्च उठाते हैं। वो हर महीने एक वृद्धाश्रम जाते हैं और हर साल बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं, और 2022 में दिवाली से पहले उन्होंने जरूरतमंदों को पैसे बांटे। तो केसारी लाल यादव की लोकप्रियता और स्टारडम का एक अच्छा उदाहरण है लौंडा नाच प्रदर्शन है। अपनी फिल्म की शुरुआत से पहले ही वो लौंडा के रूप में अपने अभिनय करियर के लिए लोकप्रिय थी, चूँकि लौंडा नाच को उच्च जाति द्वारा वर्जित माना जाता था। यह कलाकार की मर्दांगनी को कमज़ोर करता है, इसीलिए यादव को उनके प्रदर्शन के लिए मजाक उड़ाया गया था और उनकी मर्दांगनी पर एक ऐसा अक्सर सवाल उठाए गए हैं। अक्षय कुमार लौंडा नाच के रूप में अपनी लोकप्रियता को उच्च जाति के बीच कलाकार के लिए सार्वभौमिक तिरस्कार के टैग के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखते हैं। अक्षय कुमार आगे बक्सर के एक ब्राह्मण शास्त्रीय संगीत शिक्षक के साक्षात्कार का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने मनोज तिवारी और पवन सिंह की सराहना की है, लेकिन केसारी लाल यादव के उल्लेख पर उन्होंने कहा है कि वो क्या हैं, वो तो एक लौंडा है। हालांकि यादव इस मामले पर बहुत साहसी रुख अपनाते नजर आए हैं और 2013 में जोगिरा को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी शोर कर रहा हूं, अगर मुझे उनके लिए फिल्म छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। मैं जनता के बीच कहा कहूँ, मैं उन्हें नचाने के लिए गाता हूँ, मैं उनका मनोरंजन करता हूँ, मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ, मैं उनसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दर्शक मुझे स्क्रीन पर भी रियल लुक में देखना चाहते हैं। मैंने अपनी 15 फिल्मों में महिलाओं का अभिनय किया है और वे सभी हिट रही हैं। मुझे अफसर या अमीर आदमी बनना पसंद नहीं है, मैं उस तरह से साजन नहीं हूँ। अक्षय कुमार की लोकप्रियता को एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखते हैं, जो भोजपुरी कम और अन्य प्रतिस्पर्धा मर्दांगिनी को आकार देते हैं। उनके अनुसार
लैंगिक रूढ़िवादिता को फिर से स्थापित करके ही केसारी लाल यादव अपने साथियों से आगे निकल जाते हैं और एक ये प्रमुख विद्रोही व्यक्ति के रूप में सामने आ जाते हैं। लाडला टू फिल्म में उषा यादव जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। वह रोल है केसारी लाल यादव की माँ का। उनका रोल इतना अच्छा रहा कि दर्शक ने उनकी काफ़ी सराहनाएँ भी की हैं। तो उषा यादव एक भारतीय शिक्षाविद, समकालीन हिंदी साहित्य की लेखिका और पद्मश्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी हैं। वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और मित्रलाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान से सदस्य बनी हुई हैं। वैज्ञानिक वो एक सांस्कृतिक संगठन रेनबो के अध्यक्ष और ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव भी हैं। उन्हें 10 से अधिक प्रमुख संस्कारों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिन्हें यूपी हिंदी संस्थान लखनऊ बच्चों के साहित्य के सर्वोच्च सम्मान बाल साहित्य भारती भी शामिल है। उनकी 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उनका उपन्यास काहेरी नालनी साहित्य अकादमी को शामिल किया गया है, जो मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2021 में उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, जो भारत गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने सन 1948 में कानपुर में जन्मी उषा ने अपना बचपन शहर में बिताया और स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की थी। डॉक्टर उषा यादव को बचपन से ही कविताओं का शौक था, जो 9 साल की उम्र में शुरू हुई और उनकी पहली कविता उनकी स्कूल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये फैंस को खूब पसंद आ रहा है। फैंस का कहना है कि केसारी लाल यादव की यह फिल्म ब्लैकबस्टर होगी। खुद केसारी लाल भी लाडला 2 को लेकर बहुत ही उत्सुक हैं। देखिए फिल्म का ट्रेलर। केसारी लाल यादव की फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर आ गया है, जो कि फैंस को पसंद आ रहा है। और भोजपुरी फिल्म लाडला 2, केसारी लाल यादव की फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर भोजपुरी के फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। लाडला 2 के निर्देशक प्रेमांशु सिंह हैं, जो एक बार फिर से एक बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं। फिल्म में केसारी लाल यादव के अलावा माया यादव और मेघा श्री मुख्य भूमिका में हैं। ये फिल्म 2015 में आई लाडला का सीक्वल है, जो माँ और बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्म है। लाडला 2 की बात करें तो इसकी कहानी पहले पार्ट से बिल्कुल अलग है। फिल्म के पार्ट में शूटिंग इंडिया में हुई थी और इस पार्ट की शूटिंग लंदन में हुई है। उसी तरह इस फिल्म की कहानी भी अलग है। लाडला 2 में केसारी लाल यादव अपनी माँ को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनको प्यार मेघाश्री से हो जाता है। फिर शुरू होता है माँ और प्रेमिका के बीच का द्वंद्व, जो इस प्रकार फिल्म को अलग लेवल पर लेकर जाता है। लाडला 2 का ट्रेलर में फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक लाडला 2 को लेकर केसारी लाल यादव ने कहा है कि इस फिल्म की कहानी मेरे दिल के करीब है, अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम कलाकार हैं तो यही काम करते हैं। उम्मीद है कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आने वाली है। तो लाडला 2 को अभिनय सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर कहा है कि यह एक सामाजिक और पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने बेहद शानदार काम किया है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी। फिल्म की रिलीज डेट हम जल्द ही साझा करेंगे। लाडला 2 में अमित, अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोड़ा और गजेंद्र प्रताप द्विवेदी भी हैं। फिल्म को प्रेमांशु सिंह ने डायरेक्ट किया है। भोजपुरी फिल्म लाडला 2 प्रेमांशु सिंह ने निर्देशित किया है और अभिनय सिन्हा ने निर्माण किया है। इस फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा। और भोजपुरी फिल्म लाडला 2 के निर्माताओं ने आगामी फिल्म का पहला लुक जारी कर दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। फिल्म में गायक अभिनेता केसारी लाल यादव और मेघा श्री मुख्य भूमिका में हैं। पोस्टर केसारी लाल यादव भावुक दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के पोस्टर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक फैमिली वाली कहानी पर फिल्म होगी, क्योंकि अभिनेता अपनी ऑन स्क्रीन माँ को प्यार से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पोस्टर में मेघा श्री एक कॉलेज गर्ल के रूप में नजर आ रही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार केसारी लाल यादव की अपकमिंग फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में माँ और पत्नी के बीच लड़ाई की कहानी है। ट्रेलर देखकर कहानी के बारे में पता चलता है। यह एक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में केसारी लाल यादव माँ के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें दूर रखना चाहती हैं। फिल्म का ट्रेलर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक लव स्टोरी और फैमिली के बीच की थीम पर होगी, क्योंकि अभिनेता केसारी लाल यादव अपनी स्क्रीनिंग अब माँ को प्यार से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनय सिन्हा का कहना है कि लाडला 2 में
माँ बेटे के प्रेम और अनमोल रिश्ते की कहानी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है। इसका निर्माण हमने भव्यता के साथ किया है और इस फिल्म का पहला पार्ट सुपर डुपर हिट रहा था। तो फैंस को भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म और म्यूजिक वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस से चाहने वालों को निराश किया हो। फिर देर की किस बात की है, भोजपुरी एक्टर की अपकमिंग फिल्म लाडला 2 देखने के लिए तैयार रहिए। फिल्म रिलीज होने में अभी वक्त है, लेकिन तब तक आपको लाडला 2 का खूबसूरत पोस्टर दिखा देते हैं। तो लाडला 2 का पोस्टर, अभिनय सिन्हा द्वारा निर्मित भोजपुरी फिल्म लाडला 2 का फर्स्ट लुक आज आउट कर दिया गया है। इस फिल्म में सुपर स्टार खेसारी लाल यादव मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म के फर्स्ट लुक में खेसारी लाल यादव के साथ साथ माया यादव नजर आ रही हैं। ये फिल्म लाडला का सीक्वल है जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। तब से ये फिल्म ब्लैकबस्टर रही थी और उसके दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब इस फिल्म का सीक्वल लाडला 2 के रूप में बनकर तैयार हो चुका है, तो जिसका ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज होगा। माँ बेटे के प्रेम पर बनी यह फिल्म है। अभिनय सिन्हा का कहना है कि लाडला 2 में माँ बेटे के प्रेम और अनमोल रिश्ते की कहानी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर आधारित है। इसका निर्माण हमने भव्यता के साथ किया है और इस फिल्म का पहला फर्स्ट पार्ट सुपर डुपर हिट रहा था, इसीलिए मैंने इस फिल्म को इस तरह से बनाया है कि कहानी लोगों को एक इंटरटेन करे और उन्हें फिल्म के यूनिक होने का एहसास भी हो। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की नवीनतम फिल्म लाडला 2 कल यानी कि 22 सितंबर को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है। ये उनकी पिछली फिल्म लाडला का सीक्वल है जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म माँ और एक बेटे के रिश्ते के बारे में है जो साबित हुई है कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही है। अब देखें कि सीक्वल जनता के बीच में कैसा प्रदर्शन कर पाता है कि नहीं। यह एक मीडिया हाउस द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के मुताबिक फिल्म को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्लिप में प्रशंसक फिल्म का सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वे लाडला 2 फिर से देखेंगे। हम हर आयु वर्ग के प्रशंसकों को फिल्म के प्रीमियम में भाग लेते देख सकते हैं। कुछ प्रशंसकों ने कहा है कि उन्हें लाडला 2 में रोमांस का एंगल और गाने पसंद आए हैं, जबकि अन्य ने कहा है कि यह एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है। लाडला 2 का निर्देशन प्रेमांशु सिंह ने किया है और फिल्म के कलाकारों में खेसारी लाल यादव, मेघा श्री, माया यादव, अमित अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोरा और गजेंद्र प्रताप द्विवेदी शामिल हैं। इसके निर्माता अभय कुमार सिन्हा और सह निर्माता अनिल कुमार सिंह और विवेक कुमार हैं। फिल्म के गीतकार अरविंद तिवारी हैं, विनय निर्मल, सत्य समारकर और बबुआ विकास हैं और संगीत ओम ओझा ने संभाला है। रिपोर्ट्सों के मुताबिक पहली फिल्म की शूटिंग देश में हुई थी, जबकि सीक्वल की शूटिंग लंदन में हुई थी। खेसारी लाल यादव को 2011 में फिल्म साजन चली ससुराल से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उन्होंने 2014 में फिल्म कोयांचल के लिए AK-47 के साथ बॉलीवुड में सिंगिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म ग्लोबल बाबा से डेब्यू किया और उन्होंने इस फिल्म के लिए होली में उड़े नाम से एक गाना भी गाया था। उन्हें 2019 में रियलिटी टीवी शो बिग बॉस हिंदी 13 में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में भी देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक प्रेमांशु सिंह कि लाडला 2 में खेसारी लाल के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मेघा श्री और माया यादव अहम रोल में हैं। ये मूवी साल 2015 में आई लाडला का सीक्वल है। फिल्म लाडला 2 का ट्रेजल रिलीज हो गया है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से सुपर हिट डुपर हिट बनाया है। तो भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन यानी कि खेसारी लाल यादव इन दिनों एक से बढ़कर एक भोजपुरी फिल्में ला रहे हैं। इसी बीच अब उनकी फिल्म लाडला 2 का धांसु ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को लेकर खेसारी लाल बीते काफ़ी वक्त से चर्चा में बने हुए हैं। मूवी का ट्रेलर और सॉन्ग आउट होने के साथ साथ फैंस ने फिल्म के रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गया है। वहीं ट्रेलर ने फैंस की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। ये ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। माँ के प्यार के आगे भूल गई सारी दुनिया, यासी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कृत और अभिनय सिन्हा निर्मित भोजपुरी फिल्म लाडला 2 का ट्रेजल आज यानी कि 14 अगस्त को इंटरटेन और रंगीला और यसी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। करीब 4 मिनट के इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक बेटा अपनी माँ के
प्यार में पूरी दुनिया को भुला देता है। उसकी माँ ही उसके लिए भगवान है। और इस फिल्म में खेसारी लाल को पानी के लिए जाल बुनती है उनकी प्रेमिका आई। तो निर्देशक प्रेमांशु सिंह को लाडला टू में खेसारी लाल के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मेघाश्री और माया यादव अहम रोल में हैं। ये मूवी साल 2015 में आई लाडला का सीक्वल है। इस मूवी में दिखाया गया है कि खेसारी लाल यादव को पाने के लिए उनकी प्रेमा यानी कि मेघाश्री न जाने कैसे कैसे चाल चलती हैं। वह खेसारी लाल की माँ से कहती हैं कि उन्हें पति चाहिए, माँ की पल्लू में बंधा हुआ बच्चा नहीं। फिर शुरू होता है माँ और प्रेमिका के बीच की जंग। इस द्वंद्व पर आधारित है लाडला टू। इसके निर्माता अभिनय सिन्हा, इनमें खेसारी लाल यादव के साथ अमित अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोरा, गजेंद्र प्रताप द्विवेदी मुख्य भूमिका में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। लाडला टू फिल्म में एक्ट्रेस हैं मेघाश्री। मेघाश्री जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो मेघाश्री एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़, तेलुगु और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में काम करती नजर आ रही हैं। उन्हें अलौकिक टेलीविजन श्रृंखला नागकन्निके और ज्योति में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म बेंगलुरु कर्नाटक भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता है भारतीय। इनका पेशा है अभिनेत्री और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2015 से वर्तमान तक तो उसी वर्ष तेलुगु फिल्म अनाग नागा ओका चित्र में अभिनय करने से पहले मेघाश्री ने तेलुगु फिल्म पंचमुखी 2015 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उन्होंने काका का अबाथिन अरिकुरी 2017 से तमिल में डेब्यू किया था और उसी वर्ष उन्होंने फिल्म 22 मार्च से कन्नड़ में पदार्पण किया और ऑक्सीजन में सहायक भूमिका में अभिनय किया था। तब मेघाश्री ने जूनियर एनटीआर की सबसे हिट अरविंद समिता वीरा राघो 2018 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो कृष्णा तुलसी 2018, कद्दू मुच्ची 2019 और दशरथ 2019 सहित कई कन्नड़ फिल्मों में दिखाई दी हैं। डेक्कन कार्निकाल द्वारा कृष्ण तुलसी की समीक्षा में समीक्षक ने लिखा है कि मेघाश्री ही हैं जो इस फिल्म में इसके साथ साथ अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही हैं। और बाद में उन्होंने कन्नड़ टेलीविजन धारावाहिक नागा कन्निके और इवालू सुजाता में मुख्य भूमिका निभाती नजर आई हैं। वर्ष 2019 में बिग बॉस कन्नड़ सीजन 6 में वर्ल्ड वाइड एंट्री के रूप में दिखाई दी हैं और 2021 में मेघाश्री ने एक अलौकिक टेलीविजन श्रृंखला ज्योति में शीर्षक भूमिका निभाई है जो नंदिनी की अगली कड़ी थी। 2022 में भोजपुरी में डेब्यू करने के बाद उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में फरिश्ता में खेसारी लाल यादव के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म ब्लैकबस्टर रही और पिछले 10 वर्षों के लिए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाडला टू में खेसारी लाल यादव ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाया गया रोल माँ और बेटे के बीच का अहम रोल है, तो इस रोल को इन्होंने अपनी बखूबी अंदाज और तरीके से निभाया है। तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं। जिन्हें पेशेवर रूप से खेसारी लाल यादव के नाम से जाना जाता है और वो एक भारतीय अभिनेता, गायक, नर्तक और मॉडल भी हैं जो मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं और इनिशियलजिम के LY के नाम से भी जाने जाते हैं। यादव 70 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 5000 से अधिक गानों में गायक के रूप में प्रदर्शन किया है। उन्होंने भोजपुरी के अलावा हिंदी, अवधी और हरियाणवी भाषाओं में भी काम किया है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म शत्रुघ्न कुमार यादव के नाम से हुआ था, जिन्हें 15 मार्च 1986 को इनका जन्म हुआ था और धानाडीह शरण विहार भारत में इनका जन्म हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, गायक और नृतक भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2011 से वर्तमान तक और इन्हें जाना जाता है गायना सैया आई अरब गईले ना। और इनकी जीवन संगनी हैं चंदा देवी। इनके 2 बच्चे हैं और बिहार के छपरा में जन्मे खेसारी लाल यादव ने 2000 के दशक के अंत में अपना गायन करियर शुरू किया और वर्ष 2011 में साजन चले ससुराल में दिखाई देने के बाद उनका अभिनय करियर स्थिर रहा था। उन्होंने 2014 में फिल्म कोयांचल में AK-47 के साथ एक गायक के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उन्होंने 2016 के भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार जीता और इसके बाद 2018 में मेहंदी लगा के रखना में अपनी उपस्थिति के सबरंग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार जीता था। वर्ष 2019 में उन्होंने फिल्म संघर्ष में अपनी भूमिका के लिए 4 और पुरस्कार जीते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भाग लिया और वर्ष 2020 में उनका
तीसरा हिंदी फिल्म गीत और पहला हिंदी भाषा का एकल लड़की पटाना सोनी म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में तेरे मेरे दरमियान आया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बादशाह के साथ सहयोग किया और पानी पानी गाने को भोजपुरी भाषा में दोबारा बनाने के लिए उन्होंने वर्ष 2022 में उन्होंने अपनी फिल्म आस्किम से पटक कथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और यूट्यूब ने 2022 के शीर्षक भारतीय गीतों की सूची में उनके दो गीतों को शामिल किया था। खेसारी लाल यादव का जन्म शत्रुघ्न कुमार यादव के रूप में 15 मार्च 1986 को बिहार के सरण जिले के थानाडीह गांव में हुआ था। वे कम आय वाले परिवार से थे। बचपन में उनकी अधिक बोलने की आदत के कारण उन्हें मंच पर नाम खेसारी मिला, जो खेसारी के साथ सम्मान था। एक फसल जिसे किसी ने पानी या उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है और कहीं भी ठीक उगती है। उनका जन्म अपने घर में नहीं हुआ था क्योंकि उनके माता पिता का मिट्टी का घर बारिश में ढह गया था और उन्हें एक पक्का घर किराए पर लेना पड़ा था। जहां खेसारी लाल यादव जी का जन्म हुआ था, उनके पिता मंगरू लाल यादव घर का खर्च चलाने के लिए सुबह सड़क पर चना बेचा करते थे और रात में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया करते थे। खेसारी लाल यादव 7 भाई बहनों में से एक हैं, जिनमें से 3 उनके भाई हैं और अन्य 4 चाचा के बेटे हैं, जिनकी माँ की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। उन्हें पालने के लिए खेसारी लाल की माँ आगे आई। उनके पिता दिल्ली में कमाते थे और वो अपनी माँ और चाचा के साथ छपरा में रहते थे। बाद में उनकी माँ भी घर के कामों में अपने पति की मदद करने के लिए दिल्ली चली गई थी और खेसारी लाल अपने भाई बहनों और चाचा के साथ रहने लगे थे। खेसारी लाल यादव बचपन में मवेशी चराया करते थे और उनका दूध बेचते थे। उनका विवाह चंदा देवी से हुआ था, जिसने उन्होंने 2006 में विवाह किया था। और कहा जाता है कि यादव अपनी पत्नी के प्रति बहुत समर्पित थे, उन्हें अपना भाग्यशाली आकर्षण कहते थे और उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। सन 1998 और 99 के दौरान खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी थिएटरों में एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जहां वे रामायण और महाभारत में गाते थे। उन्होंने भोजपुरी लोक नृत्य लौंडा नाच भी सीखा। बाद में वो दिल्ली के ओखला भी चले गए थे, जहां उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी के साथ लिट्टी चोखा बेचना शुरू कर दिया था। लिट्टी चोखा बेचने के बाद बचाए गए पैसों से उन्होंने 12,000 खर्च करके अपना एक एल्बम लॉन्च किया था, लेकिन ये एक बड़ी फ्लॉप रही थी। इसके बाद उन्होंने गुड्डू रंगीला के साथ नौकर के रूप में काम करना शुरू किया था उनके घर में, जो उन दिनों एक प्रसिद्ध भोजपुरी गायक थे। कुछ पैसे बचाने के बाद उन्होंने फिर से अपना दूसरा एल्बम लॉन्च किया था 25,000 रुपये खर्च करके, जिसे दर्शकों से बेहतर प्रतिक्रिया मिली और उन्हें कुछ प्रसिद्धि भी मिली थी। उसके बाद उन्हें विभिन्न संगीत कंपनियों से परियोजनाओं में निवेश मिलना शुरू हो गया था, लेकिन मार्केटिंग उन्हें खुद ही करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया था कि वो खुद बिहार और यूपी के कई जिलों में अपना एल्बम कैसेट का प्रचार करते थे। दिन में रात में जहाँ भी गायन और नृत्य का कार्यक्रम होता, वो ट्रेन से जाते थे और वहाँ साउंड ऑपरेटर को कुछ पैसे देकर अपना गाना बजाने के लिए कहते थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मान भी जाते थे, लेकिन कुछ लोग काली गलौज पर उतर आते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी उनके पैसे ऐसे ही खर्च हो जाया करते थे और कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो बिना खाए ही सो जाते थे। गायक के रूप में सफलता पाने के बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चले गए थे। खेसारी लाल यादव ने खुलासा किया कि मनोज तिवारी के मैनेजर ने उन्हें गुपचुप तरीके से तिवारी के घर पर रखा था और इस अवधि में उन्होंने लड़ाई सीखी और फिर आलोक कुमार के साथ साजन चले ससुराल में अभिनय किया, जो हिट रही और एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। फिर आइए जानते हैं खेसारी लाल यादव के जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था। तो उन्होंने 2012 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनमें से उन्होंने साजन की मुख्य भूमिका निभाई और एक गांव का लड़का है जो उस लड़की से शादी करने के लिए शहर जाता है। उसके साथ उसकी शादी बचपन में तय हुई है। उनकी दूसरी फिल्म है जान तेरे नाम थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया था जो अभिनेता बनना चाहता था। अक्षय कुमार अपने एक लेख में लिखते हैं कि फिल्म सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में एक संवाद स्थापित करती है जो संपाति परिवार को चुनौती देती है और उसकी विकृत चिंताओं को जागृत करती है। 2012 और 16 के बीच उन्होंने नागिन 2012, ए बलमा बिहार वाला 2013, छपरा एक्सप्रेस 2013 और प्रतिज्ञा 2 2014 और खिलाड़ी 2016 सहित 42 भोजपुरी फिल्में की हैं, जिन्होंने सर्वंग फिल्म अवार्ड्स में 4 पुरस्कार जीते हैं।
सन 2016 में उन्होंने ग्लोबल बाबा में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिनमें उन्होंने होली में उड़े नामक एक गाना गाया और इसमें संदीपा धर और पंगज त्रिपाठी के साथ प्रदर्शन भी किया था। मेहंदी लगा के रखना 2017 में उनकी भूमिका के लिए, जो तेलुगु फिल्म अदावरी मतलाकू अर्थले वेलू का रीमेक है। उन्होंने सबरंग फिल्म अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता था। माई सेहरा बांध के आऊँगा 2017, मुकद्दर 2017, डमरू 2018, दुल्हन गंगा पार के 2018 जैसी फिल्में करने के बाद वो संघर्ष 2018 में दिखाई दिए थे, जो नारे का समर्थन करने वाली एक सामाजिक फिल्म थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिल्म के अलग अलग अवार्ड शो में 19 अवार्ड जीते थे। सन 2018 में खेसारी लाल यादव ने नागदेव में अभिनय किया था, जो VFX का उपयोग करने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी। फिल्म के लगभग 40% दृश्यों में से VFX का उपयोग किया गया था और ये VFX का उपयोग करने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी। इस अवधि में उनकी अन्य फिल्में बलम जी लव यू 2018, दबंग सरकार 2018, कुली नंबर 1 2019 है। उनकी फिल्म बागी अयोध्या एक देश भक्ति फिल्म थी, जिसमें मुजफ्फरपुर आश्रम मामले के बारे में विवाद की गई थी। उन्होंने भाग केसारी भाग 2019 नाम की एक स्पोर्ट फिल्म भी की थी, जो 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लेकर टेलीविजन पर भी अपनी शुरुआत की थी। और उनकी फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 2020 तमिल फिल्म वेले वेलैया पट्टाधारी की रीमेक है। उनकी दुल्हन वही जो पिया मन भावे 2021 विदेश में शूट होने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म का 90% हिस्सा लंदन में शूट किया गया था और 2021 में उनकी 3 और फिल्में विदेशों में शूट की गई थी। चोरी चोरी चुपके चुपके, प्यार किया तो निभाना शूटिंग लंदन में हुई थी, जबकि सैया अरब गैलेना की शूटिंग दुबई में हुई थी। 2022 में उनकी पहली रिलीज थी आशिकी, जिसमें उन्होंने पटक कथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और एक उच्च जाति के लड़के की भूमिका निभाई, जो अपने प्यार के लिए पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। उन्होंने अगली बार शादी हो तो ऐसी में अभिनय किया, जो मई में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दुल्हनिया लंदन से लाएंगे में अभिनय किया था, जिसे लंदन में शूट किया गया था और उनके सह कलाकार ब्रिटिश कलाकार ग्रेस रोडर्स और मधु शर्मा थे। उनकी अगली फिल्म राउडी इंस्पेक्टर अगस्त 2022 में भारत के कुछ हिस्सों में अलग अलग तरीकों पर और अलग अलग तारीखों पर रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशन तेलुगु में किया था, जिसे निर्देशक शंकर ने किया था। मेघाश्री ने यादव के साथ मुख्य भूमिका निभाई और उनकी भोजपुरी पहली फिल्म थी। अगस्त 2022 में उन्होंने सपना चौधरी के साथ म्यूजिक एल्बम मटक मटक से हरियाणवी डेब्यू किया था। उनकी अगली भोजपुरी फिल्म डोली सजा के रखना सितंबर 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म को 25 मल्टीप्लेक्स सहित भारत और नेपाल में कई स्क्रीन मिली। इसे 24 अक्टूबर को उनकी फिल्म बोल राधा बोल रिलीज हुई थी, जो 2022 की उनकी आखिरी फिल्म राजा की आएगी बारात थी, जो दिसंबर में रिलीज हुई थी। 2023 में उनकी पहली फिल्म फरिश्ता थी, जो 9 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का किरदार निभाते नजर आ रहे थे। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी भोजपुरी हिट थी। सिनेमाई घरों में हफ्तों तक हाउसफुल चलती रही थी। उसके बाद लाडला 2 सितंबर 2023 में रिलीज हुई और अक्टूबर में उन्होंने संघर्ष 2 में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जो बजट के मामले में उनकी सबसे बड़ी फिल्म थी। इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो दोस्तों, इस फिल्म में संगीत दिया था अपनी शुरुआती दिनों में यादव रामायण और महाभारत में गाते थे। उनका पहला एल्बम 2008 में रिलीज हुआ था। कुछ शुरुआती प्रसिद्धि गाने हैं, सैया अरब गईले ना, पियवा रहिले सऊदी रे भौजी, माल भेटाई मेला में। 2014 में उन्होंने कोयांचल के गाने AK-47 से एक गायक के रूप में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। 2016 में उन्होंने फिल्म ग्लोबल बाबा के लिए अपना दूसरा बॉलीवुड गाना होली में उड़े गया, जिसे गाया था। 2017 में उन्होंने सर्वंग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता और उर्सवश उनके लिए उल्लेखनीय गीत कौना देवता के गरहल संवारल और जान गईले ना। 2018 में उन्होंने एकल प्रेम का मिल गल से सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक ठीक है रिलीज किया, जो 2020 में उन्होंने अपना तीसरा बॉलीवुड गाना और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा निर्मित पहला सिंगल लड़की पटाना रिलीज हुआ था, जो 2021 में उनका दूसरा बॉलीवुड सिंगल तेरे मेरे दरमियान इन बिटवीन आई एंड यू रिलीज हुआ था। खेसारी लाल यादव ने प्रसिद्ध हिंदी गीत पानी पानी के भोजपुरी संस्करण में बॉलीवुड रैपर बादशाह के साथ सहयोग किया था, जिसे मूल रूप से आस्था गिल और बादशाह ने खुद गाया था। भोजपुरी संस्करण सारे गामा के तहत रिलीज किया गया था और बाद में बादशाह ने भोजपुरी भाषा में रैप किया और इस गाने को YouTube पर अपलोड होने के 60 मिनट के भीतर 10 लाख से अधिक बार देखा गया था।
और ऐसा करने वाला ये पहला भोजपुरी गाना बन गया था। उन्होंने अपने अगले बॉलीवुड सिंगल रोमांटिक राजा में गायिका और संगीतकार शिप्रा गोयल के साथ काम किया है। उनकी कोरियोग्राफ मुकद्दर का सिकंदर रही थी, जिसे मुस्तदर खान ने की थी और गीत कुणाल वर्मा ने लिखे थे। उनका दूसरा हिंदी एकल था टेढ़ी पर मेरी है और भोजपुरी एकल था लड़की का रोग न पालो, नया साल नया माल हो। तो केसारी लाल यादव ने दो घूंघट गाना गाया और जो 2022 का उनका पहला भोजपुरी सिंगल गाना था। यह गाना 1973 की बॉलीवुड फिल्म झील के उस पार के गाने दो घूंट मुझे पिला दे शराबी का रीमेक था। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और एकल आशिकी प्रेमी जारी किया था, जिसका वीडियो जर्मनी में शूट किया गया था। कुछ होली गीत जारी होने के बाद उन्होंने ड्रीम मी एंट्री रिलीज की और उन्होंने अपनी फिल्म आशिकी में 6 गाने गाए हैं और 2023 में होली गाने रिलीज किए हैं। उन्होंने आगे एक चैता गीत ले ले आइकन कोका कोला, जिसे अनुवाद किया है बिग कोका कोला ने जारी किया है, जो वैश्विक यूट्यूब संगीत चार्ट में शीर्ष पर रहा है, और एक भोजपुरी सिंगल नथुनिया द नोज रिंग में चार्ट में टॉप 5 में जगह बनाई है। इस साल का उनका पहला हिंदी सिंगल कमरिया कोका कोला अप्रैल 2022 में टी सीरीज द्वारा रिलीज किया गया था। उन्होंने सलीम सुलेमान की रचना सुनामी पर गाना गाया था, जो जून 2022 में रिलीज हुई और एक हिंदी गाना थी। उसे महीने में उन्होंने एक और हिंदी सिंगल उनके दिल में इन हर हार्ड रिलीज किया था। उन्होंने इसके बाद अगस्त में भोजपुरी सिंगल यूपी बिहार रिलीज किया गया था। इसके बाद अगस्त में एक हिंदी सिंगल या खुदा या हे भगवान जारी किया गया था। उन्होंने प्रसिद्ध बंगाली गीत बंधु 3 दिन बाड़ी 3 डेज को भोजपुरी में फिर से बनाया गया था। इसके बाद केसारी लाल यादव ने दो हिंदी सिंगल रिलीज किया। पहला था बारिश, बारिश को 9 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया गया था, जिसमें दो अमेरनियाई मॉडल पार और सेड़ा शामिल थे। वीडियो में अमेरनिया में शूट किया गया था। जो दूसरा था महफिल, जिसके साथ उन्होंने संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की और उन्होंने एक खुद भोजपुरी एकल दिल टूट हो गया, इसे नवंबर के सप्ताह में उनका एकल तबला रिलीज हुआ था, जिसके लिए नथुनिया और ले ले आइन कोका कोला को 2022 में शीर्ष भारतीय गीतों की यूट्यूब वार्षिक सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, फिल्म फरिश्ता के उनके गाने पगले बना दी राम जी को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली और रिलीज के 24 घंटे के भीतर 3.6 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। मार्च में उनका एकल नागिन रिलीज हुआ था, जिसे रिलीज के पहले 24 घंटे में 5.5 मिलियन व्यूज मिले थे, जिसे 22 अप्रैल को उन्होंने आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जॉइंट के एंथम खेले सुपर जॉइंट्स लखनऊआ जारी किया था, जिसे सितंबर 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केसारी लाल यादव को सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी अन्य कंपनी से जुड़ने से रोक दिया है। तो केसारी लाल यादव फाउंडेशन नामक एक एनजीओ चलाते हैं, जो देश भर में धर्मार्थ कार्य करते हैं, और वो 62 अनाथ बच्चों के अभिभावक हैं और उनकी शिक्षा का खर्च उठाते हैं। वो हर महीने एक वृद्धाश्रम जाते हैं और हर साल बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं, और 2022 में दिवाली से पहले उन्होंने जरूरतमंदों को पैसे बांटे। तो केसारी लाल यादव की लोकप्रियता और स्टारडम का एक अच्छा उदाहरण है लौंडा नाच प्रदर्शन है। अपनी फिल्म की शुरुआत से पहले ही वो लौंडा के रूप में अपने अभिनय करियर के लिए लोकप्रिय थी, चूँकि लौंडा नाच को उच्च जाति द्वारा वर्जित माना जाता था। यह कलाकार की मर्दांगनी को कमज़ोर करता है, इसीलिए यादव को उनके प्रदर्शन के लिए मजाक उड़ाया गया था और उनकी मर्दांगनी पर एक ऐसा अक्सर सवाल उठाए गए हैं। अक्षय कुमार लौंडा नाच के रूप में अपनी लोकप्रियता को उच्च जाति के बीच कलाकार के लिए सार्वभौमिक तिरस्कार के टैग के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखते हैं। अक्षय कुमार आगे बक्सर के एक ब्राह्मण शास्त्रीय संगीत शिक्षक के साक्षात्कार का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने मनोज तिवारी और पवन सिंह की सराहना की है, लेकिन केसारी लाल यादव के उल्लेख पर उन्होंने कहा है कि वो क्या हैं, वो तो एक लौंडा है। हालांकि यादव इस मामले पर बहुत साहसी रुख अपनाते नजर आए हैं और 2013 में जोगिरा को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी शोर कर रहा हूं, अगर मुझे उनके लिए फिल्म छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। मैं जनता के बीच कहा कहूँ, मैं उन्हें नचाने के लिए गाता हूँ, मैं उनका मनोरंजन करता हूँ, मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ, मैं उनसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दर्शक मुझे स्क्रीन पर भी रियल लुक में देखना चाहते हैं। मैंने अपनी
15 फिल्मों में महिलाओं का अभिनय किया है और वे सभी हिट रही हैं। मुझे अफसर या अमीर आदमी बनना पसंद नहीं है, मैं उस तरह से साजन नहीं हूँ। अक्षय कुमार की लोकप्रियता को एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखते हैं जो भोजपुरी कम और अन्य प्रतिस्पर्धा मर्दांगिनी को आकार देते हैं। उनके अनुसार लैंगिक रूढ़िवादिता को फिर से स्थापित करके ही खेसारी लाल यादव अपने साथियों से आगे निकल जाते हैं और एक यह प्रमुख विद्रोही व्यक्ति के रूप में सामने आ जाते हैं। लाडला 2 फिल्म में उषा यादव जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। वह रोल है खेसारी लाल यादव की माँ का। उनका रोल इतना अच्छा रहा कि दर्शक ने उनकी काफ़ी सराहनाएँ भी की हैं। तो उषा यादव एक भारतीय शिक्षाविद, समकालीन हिंदी साहित्य की लेखिका और पद्मश्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी हैं। वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और मित्रलाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान से सदस्य बनी हुई हैं। वैज्ञानिक वो एक सांस्कृतिक संगठन रेनबो के अध्यक्ष और ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव भी हैं। उन्हें 10 से अधिक प्रमुख संस्कारों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिन्हें यूपी हिंदी संस्थान लखनऊ बच्चों के साहित्य के सर्वोच्च सम्मान बाल साहित्य भारती भी शामिल है। उनकी 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उनका उपन्यास काहेरी नालनी साहित्य अकादमी को शामिल किया गया है, जो मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2021 में उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, जो भारत गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने सन 1948 में कानपुर में जन्मी उषा ने अपना बचपन शहर में बिताया और स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की थी। डॉक्टर उषा यादव को बचपन से ही कविताओं का शौक था, जो 9 साल की उम्र में शुरू हुई और उनकी पहली कविता उनकी स्कूल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और भोजपुरी फिल्म लाडला 2, खेसारी लाल यादव की फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर भोजपुरी के फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। लाडला 2 के निर्देशक प्रेमांशु सिंह हैं, जो एक बार फिर से एक बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं। फिल्म में खेसारी लाल यादव के अलावा माया यादव और मेघा श्री मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 2015 में आई लाडला का सीक्वल है, जो माँ और बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्म है। लाडला 2 की बात करें तो इसकी कहानी पहले पार्ट से बिल्कुल अलग है। फिल्म के पार्ट में शूटिंग इंडिया में हुई थी और इस पार्ट की शूटिंग लंदन में हुई है। उसी तरह इस फिल्म की कहानी भी अलग है। लाडला 2 में खेसारी लाल यादव अपनी माँ को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनको प्यार मेघाश्री से हो जाता है। फिर शुरू होता है माँ और प्रेमिका के बीच का द्वंद्व, जो इस प्रकार फिल्म को अलग लेवल पर लेकर जाता है। लाडला 2 का ट्रेलर में फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक लाडला 2 को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि इस फिल्म की कहानी मेरे दिल के करीब है, अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम कलाकार हैं तो यही काम करते हैं। उम्मीद है कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आने वाली है। तो लाडला 2 को अभिनय सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर कहा है कि यह एक सामाजिक और पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने बेहद शानदार काम किया है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी। फिल्म की रिलीज डेट हम जल्द ही साझा करेंगे। लाडला 2 में अमित, अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोड़ा और गजेंद्र प्रताप द्विवेदी भी हैं। फिल्म को प्रेमांशु सिंह ने डायरेक्ट किया है। भोजपुरी फिल्म लाडला 2 प्रेमांशु सिंह ने निर्देशित किया है और अभिनय सिन्हा ने निर्माण किया है। इस फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा और भोजपुरी फिल्म लाडला 2 के निर्माताओं ने आगामी फिल्म का पहला लुक जारी कर दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। फिल्म में गायक अभिनेता खेसारी लाल यादव और मेघा श्री मुख्य भूमिका में हैं। पोस्टर खेसारी लाल यादव भावुक दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के पोस्टर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक फैमिली वाली कहानी पर फिल्म होगी, क्योंकि अभिनेता अपनी ऑन स्क्रीन माँ को प्यार से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पोस्टर में मेघा श्री एक कॉलेज गर्ल के रूप में नजर आ रही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की अपकमिंग फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में माँ और पत्नी के बीच लड़ाई की कहानी है। ट्रेलर देखकर कहानी के बारे में पता चलता है। यह एक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव माँ के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें दूर रखना चाहती हैं। फिल्म का ट्रेलर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक लव स्टोरी और फैमिली के बीच की थीम पर होगी, क्योंकि अभिनेता खेसारी लाल यादव अपनी स्क्रीनिंग अप माँ को प्यार से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनय सिन्हा का कहना है कि लाडला 2 में
माँ बेटे के प्रेम और अनमोल रिश्ते की कहानी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है। इसका निर्माण हमने भव्यता के साथ किया है और इस फिल्म का पहला पार्ट सुपर डुपर हिट रहा था। तो फैंस को भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म और म्यूजिक वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस से चाहने वालों को निराश किया हो। फिर देर की किस बात की है, भोजपुरी एक्टर की अपकमिंग फिल्म लाडला 2 देखने के लिए तैयार रहिए। फिल्म रिलीज होने में अभी वक्त है, लेकिन तब तक आपको लाडला 2 का खूबसूरत पोस्टर दिखा देते हैं। तो लाडला 2 का पोस्टर, अभिनय सिन्हा द्वारा निर्मित भोजपुरी फिल्म लाडला 2 का फर्स्ट लुक आज आउट कर दिया गया है। इस फिल्म में सुपर स्टार खेसारी लाल यादव मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म के फर्स्ट लुक में खेसारी लाल यादव के साथ साथ माया यादव नजर आ रही हैं। ये फिल्म लाडला का सीक्वल है जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। तब से ये फिल्म ब्लैकबस्टर रही थी और उसके दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब इस फिल्म का सीक्वल लाडला 2 के रूप में बनकर तैयार हो चुका है, तो जिसका ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज होगा। माँ बेटे के प्रेम पर बनी यह फिल्म है। अभिनय सिन्हा का कहना है कि लाडला 2 में माँ बेटे के प्रेम और अनमोल रिश्ते की कहानी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर आधारित है। इसका निर्माण हमने भव्यता के साथ किया है और इस फिल्म का पहला फर्स्ट पार्ट सुपर डुपर हिट रहा था, इसीलिए मैंने इस फिल्म को इस तरह से बनाया है कि कहानी लोगों को एक इंटरटेन करे और उन्हें फिल्म के यूनिक होने का एहसास भी हो। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की नवीनतम फिल्म लाडला 2 कल यानी कि 22 सितंबर को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है। ये उनकी पिछली फिल्म लाडला का सीक्वल है जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म माँ और एक बेटे के रिश्ते के बारे में है जो साबित हुई है कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही है। अब देखें कि सीक्वल जनता के बीच में कैसा प्रदर्शन कर पाता है कि नहीं। यह एक मीडिया हाउस द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के मुताबिक फिल्म को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्लिप में प्रशंसक फिल्म का सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वे लाडला 2 फिर से देखेंगे। हम हर आयु वर्ग के प्रशंसकों को फिल्म के प्रीमियम में भाग लेते देख सकते हैं। कुछ प्रशंसकों ने कहा है कि उन्हें लाडला 2 में रोमांस का एंगल और गाने पसंद आए हैं, जबकि अन्य ने कहा है कि यह एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है। लाडला 2 का निर्देशन प्रेमांशु सिंह ने किया है और फिल्म के कलाकारों में खेसारी लाल यादव, मेघा श्री, माया यादव, अमित अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोरा और गजेंद्र प्रताप द्विवेदी शामिल हैं। इसके निर्माता अभय कुमार सिन्हा और सह निर्माता अनिल कुमार सिंह और विवेक कुमार हैं। फिल्म के गीतकार अरविंद तिवारी हैं, विनय निर्मल सत्य समारकर और बबुआ विकास हैं और संगीत ओम ओझा ने संभाला है। रिपोर्ट्सों के मुताबिक पहली फिल्म की शूटिंग देश में हुई थी, जबकि सीक्वल की शूटिंग लंदन में हुई थी। खेसारी लाल यादव को 2011 में फिल्म साजन चली ससुराल से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उन्होंने 2014 में फिल्म कोयांचल के लिए AK-47 के साथ बॉलीवुड में सिंगिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म ग्लोबल बाबा से डेब्यू किया और उन्होंने इस फिल्म के लिए होली में उड़े नाम से एक गाना भी गाया था। उन्हें 2019 में रियलिटी टीवी शो बिग बॉस हिंदी त्यारा में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में भी देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक प्रेमांशु सिंह कि लाडला 2 में खेसारी लाल के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मेघा श्री और माया यादव अहम रोल में हैं। ये मूवी साल 2015 में आई लाडला का सीक्वल है। फिल्म लाडला 2 का ट्रेजल रिलीज हो गया है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से सुपर हिट डुपर हिट बनाया है। तो भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन यानी कि खेसारी लाल यादव इन दिनों एक से बढ़कर एक भोजपुरी फिल्में ला रहे हैं। इसी बीच अब उनकी फिल्म लाडला 2 का धांसु ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को लेकर खेसारी लाल बीते काफ़ी वक्त से चर्चा में बने हुए हैं। मूवी का ट्रेलर और सॉन्ग आउट होने के साथ साथ फैंस ने फिल्म के रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गया है। वहीं ट्रेलर ने फैंस की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। ये ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। माँ के प्यार के आगे भूल गई सारी दुनिया, यासी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कृत और अभिनय सिन्हा निर्मित भोजपुरी फिल्म लाडला 2 का ट्रेजल आज यानी कि 14 अगस्त को इंटर 10 और रंगीला और यसी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। करीब 4 मिनट के इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक बेटा अपनी मां के
प्यार में पूरी दुनिया को भुला देता है। उसकी माँ ही उसके लिए भगवान है। और इस फिल्म में खेसारी लाल को पाने के लिए जाल बुनती है उनकी प्रेमिका आई। तो निर्देशक प्रेमांशु सिंह को लाडला टू में खेसारी लाल के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मेघाश्री और माया यादव अहम रोल में हैं। ये मूवी साल 2015 में आई लाडला का सीक्वल है। इस मूवी में दिखाया गया है कि खेसारी लाल यादव को पाने के लिए उनकी प्रेमा यानी कि मेघाश्री न जाने कैसे कैसे चाल चलती हैं। वह खेसारी लाल की माँ से कहती हैं कि उन्हें पति चाहिए, माँ की पल्लू में बंधा हुआ बच्चा नहीं। फिर शुरू होता है माँ और प्रेमिका के बीच की जंग। इस द्वंद्व पर आधारित है लाडला टू। इसके निर्माता अभिनय सिन्हा, इनमें खेसारी लाल यादव के साथ अमित अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोरा, गजेंद्र प्रताप द्विवेदी मुख्य भूमिका में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। लाडला टू फिल्म में एक्ट्रेस हैं मेघाश्री। मेघाश्री जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो मेघाश्री एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़, तेलुगु और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में काम करती नजर आ रही हैं। उन्हें अलौकिक टेलीविजन श्रृंखला नागकन्निके और ज्योति में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म बेंगलुरु कर्नाटक भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता है भारतीय। इनका पेशा है अभिनेत्री और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2015 से वर्तमान तक तो उसी वर्ष तेलुगु फिल्म अनाग नागा ओका चित्र में अभिनय करने से पहले मेघाश्री ने तेलुगु फिल्म पंचमुखी 2015 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उन्होंने काका का अबाथिन अरिकुरी 2017 से तमिल में डेब्यू किया था और उसी वर्ष उन्होंने फिल्म 22 मार्च से कन्नड़ में पदार्पण किया और ऑक्सीजन में सहायक भूमिका में अभिनय किया था। तब मेघाश्री ने जूनियर एनटीआर की सबसे हिट अरविंद समिता वीरा राघो 2018 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो कृष्णा तुलसी 2018, कद्दू मुच्ची 2019 और दशरथ 2019 सहित कई कन्नड़ फिल्मों में दिखाई दी हैं। डेक्कन कार्निकाल द्वारा कृष्ण तुलसी की समीक्षा में समीक्षक ने लिखा है कि मेघाश्री ही हैं जो इस फिल्म में इसके साथ साथ अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही हैं। और बाद में उन्होंने कन्नड़ टेलीविजन धारावाहिक नागा कन्निके और इवालू सुजाता में मुख्य भूमिका निभाती नजर आई हैं। वर्ष 2019 में बिग बॉस कन्नड़ सीजन 6 में वर्ल्ड वाइड एंट्री के रूप में दिखाई दी हैं और 2021 में मेघाश्री ने एक अलौकिक टेलीविजन श्रृंखला ज्योति में शीर्षक भूमिका निभाई है जो नंदिनी की अगली कड़ी थी। 2022 में भोजपुरी में डेब्यू करने के बाद उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में फरिश्ता में खेसारी लाल यादव के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म ब्लैकबस्टर रही और पिछले 10 वर्षों के लिए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाडला टू में खेसारी लाल यादव ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाया गया रोल माँ और बेटे के बीच का अहम रोल है, तो इस रोल को इन्होंने अपनी बखूबी अंदाज और तरीके से निभाया है। तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं। जिन्हें पेशेवर रूप से खेसारी लाल यादव के नाम से जाना जाता है और वो एक भारतीय अभिनेता, गायक, नर्तक और मॉडल भी हैं जो मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं और इनिशियलजिम के LY के नाम से भी जाने जाते हैं। यादव 70 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 5000 से अधिक गानों में गायक के रूप में प्रदर्शन किया है। उन्होंने भोजपुरी के अलावा हिंदी, अवधी और हरियाणवी भाषाओं में भी काम किया है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म शत्रुघ्न कुमार यादव के नाम से हुआ था, जिन्हें 15 मार्च 1986 को इनका जन्म हुआ था और धानाडीह सरण बिहार भारत में इनका जन्म हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, गायक और नृतक भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2011 से वर्तमान तक और इन्हें जाना जाता है गायना सैया आई अरब गईले ना। और इनकी जीवन संगनी हैं चंदा देवी। इनके 2 बच्चे हैं और बिहार के छपरा में जन्मे खेसारी लाल यादव ने 2000 के दशक के अंत में अपना गायन करियर शुरू किया और वर्ष 2011 में साजन चले ससुराल में दिखाई देने के बाद उनका अभिनय करियर स्थिर रहा था। उन्होंने 2014 में फिल्म कोयांचल में AK-47 के साथ एक गायक के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उन्होंने 2016 के भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार जीता और इसके बाद 2018 में मेहंदी लगा के रखना में अपनी उपस्थिति के सबरंग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार जीता था। वर्ष 2019 में उन्होंने फिल्म संघर्ष में अपनी भूमिका के लिए 4 और पुरस्कार जीते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भाग लिया और वर्ष 2020 में उनका
तीसरा हिंदी फिल्म गीत और पहला हिंदी भाषा का एकल लड़की पटाना सोनी म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में तेरे मेरे दरमियान आया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बादशाह के साथ सहयोग किया और पानी पानी गाने को भोजपुरी भाषा में दोबारा बनाने के लिए उन्होंने वर्ष 2022 में उन्होंने अपनी फिल्म आस्किम से पटकथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और यूट्यूब ने 2022 के शीर्षक भारतीय गीतों की सूची में उनके दो गीतों को शामिल किया था। खेसारी लाल यादव का जन्म शत्रुघ्न कुमार यादव के रूप में 15 मार्च 1986 को बिहार के सरण जिले के थानाडीह गांव में हुआ था। वे कम आय वाले परिवार से थे। बचपन में उनकी अधिक बोलने की आदत के कारण उन्हें मंच पर नाम खेसारी मिला, जो खेसारी के साथ सम्मान था। एक फसल जिसे किसी ने पानी या उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है और कहीं भी ठीक उगती है। उनका जन्म अपने घर में नहीं हुआ था क्योंकि उनके माता पिता का मिट्टी का घर बारिश में ढह गया था और उन्हें एक पक्का घर किराए पर लेना पड़ा था। जहां खेसारी लाल यादव जी का जन्म हुआ था, उनके पिता मंगरू लाल यादव घर का खर्च चलाने के लिए सुबह सड़क पर चना बेचा करते थे और रात में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया करते थे। खेसारी लाल यादव 7 भाई बहनों में से एक हैं, जिनमें से 3 उनके भाई हैं और अन्य 4 चाचा के बेटे हैं, जिनकी माँ की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। उन्हें पालने के लिए खेसारी लाल की माँ आगे आई। उनके पिता दिल्ली में कमाते थे और वो अपनी माँ और चाचा के साथ छपरा में रहते थे। बाद में उनकी माँ भी घर के कामों में अपने पति की मदद करने के लिए दिल्ली चली गई थी और खेसारी लाल अपने भाई बहनों और चाचा के साथ रहने लगे थे। खेसारी लाल यादव बचपन में मवेशी चराया करते थे और उनका दूध बेचते थे। उनका विवाह चंदा देवी से हुआ था, जिसने उन्होंने 2006 में विवाह किया था। और कहा जाता है कि यादव अपनी पत्नी के प्रति बहुत समर्पित थे, उन्हें अपना भाग्यशाली आकर्षण कहते थे और उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। सन 1998 और 99 के दौरान खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी थिएटरों में एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जहां वह रामायण और महाभारत में गाते थे। उन्होंने भोजपुरी लोक नृत्य लौंडा नाच भी सीखा। बाद में वो दिल्ली के ओखला भी चले गए थे, जहां उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी के साथ लिट्टी चोखा बेचना शुरू कर दिया था। लिट्टी चोखा बेचने के बाद बचाए गए पैसों से उन्होंने 12,000 खर्च करके अपना एक एल्बम लॉन्च किया था, लेकिन ये एक बड़ी फ्लॉप रही थी। इसके बाद उन्होंने गुड्डू रंगीला के साथ नौकर के रूप में काम करना शुरू किया था उनके घर में, जो उन दिनों एक प्रसिद्ध भोजपुरी गायक थे। कुछ पैसे बचाने के बाद उन्होंने फिर से अपना दूसरा एल्बम लॉन्च किया था 25,000 रुपये खर्च करके, जिसे दर्शकों से बेहतर प्रतिक्रिया मिली और उन्हें कुछ प्रसिद्धि भी मिली थी। उसके बाद उन्हें विभिन्न संगीत कंपनियों से परियोजनाओं में निवेश मिलना शुरू हो गया था, लेकिन मार्केटिंग उन्हें खुद ही करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया था कि वो खुद बिहार और यूपी के कई जिलों में अपना एल्बम कैसेट का प्रचार करते थे। दिन में रात में जहाँ भी गायन और नृत्य का कार्यक्रम होता, वो ट्रेन से जाते थे और वहाँ साउंड ऑपरेटर को कुछ पैसे देकर अपना गाना बजाने के लिए कहते थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मान भी जाते थे, लेकिन कुछ लोग गाली गलौज पर उतर आते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी उनके पैसे ऐसे ही खर्च हो जाया करते थे और कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो बिना खाए ही सो जाते थे। गायक के रूप में सफलता पाने के बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चले गए थे। खेसारी लाल यादव ने खुलासा किया कि मनोज तिवारी के मैनेजर ने उन्हें गुपचुप तरीके से तिवारी के घर पर रखा था और इस अवधि में उन्होंने लड़ाई सीखी और फिर आलोक कुमार के साथ साजन चले ससुराल में अभिनय किया, जो हिट रही और एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं खेसारी लाल यादव के जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था। तो उन्होंने 2012 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनमें से उन्होंने साजन की मुख्य भूमिका निभाई और एक गांव का लड़का है जो उस लड़की से शादी करने के लिए शहर जाता है। उसके साथ उसकी शादी बचपन में तय हुई है। उनकी दूसरी फिल्म है जान तेरे नाम थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया था जो अभिनेता बनना चाहता था। अक्षय कुमार अपने एक लेख में लिखते हैं कि फिल्म सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में एक संवाद स्थापित करती है जो संपाति परिवार को चुनौती देती है और उसकी विकृत चिंताओं को जागृत करती है। 2012 और 16 के बीच उन्होंने नागिन 2012, ए बलमा बिहार वाला 2013, छपरा एक्सप्रेस 2013 और प्रतिज्ञा 2 2014 और खिलाड़ी 2016 सहित 42 भोजपुरी फिल्में की हैं, जिन्होंने सर्वंग फिल्म अवार्ड्स में 4 पुरस्कार जीते हैं।
सन 2016 में उन्होंने ग्लोबल बाबा में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिनमें उन्होंने होली में उड़े नामक एक गाना गाया और इसमें संदीपा धर और पंगज त्रिपाठी के साथ प्रदर्शन भी किया था। मेहंदी लगा के रखना 2017 में उनकी भूमिका के लिए, जो तेलुगु फिल्म अदावरी मतलाकू अर्थले वेलू का रीमेक है। उन्होंने सवरंग फिल्म अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता था। माई सेहरा बांध के आऊँगा 2017, मुकद्दर 2017, डमरू 2018, दुल्हन गंगा पार के 2018 जैसी फिल्में करने के बाद वो संघर्ष 2018 में दिखाई दिए थे, जो नारे का समर्थन करने वाली एक सामाजिक फिल्म थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिल्म के अलग अलग अवार्ड शो में 19 अवार्ड जीते थे। सन 2018 में खेसारी लाल यादव ने नागदेव में अभिनय किया था, जो VFX का उपयोग करने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी। फिल्म के लगभग 40% दृश्यों में से VFX का उपयोग किया गया था और ये VFX का उपयोग करने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी। इस अवधि में उनकी अन्य फिल्में बलम जी लव यू 2018, दबंग सरकार 2018, कुली नंबर 1 2019 है। उनकी फिल्म बागी अयोध्या एक देश भक्ति फिल्म थी, जिसमें मुजफ्फरपुर आश्रम मामले के बारे में विवाद की गई थी। उन्होंने भाग केसारी भाग 2019 नाम की एक स्पोर्ट फिल्म भी की थी, जो 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लेकर टेलीविजन पर भी अपनी शुरुआत की थी। और उनकी फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 2020 तमिल फिल्म वेलैया पट्टाधारी की रीमेक है। उनकी दुल्हन वही जो पिया मन भावे 2021 विदेश में शूट होने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म का 90% हिस्सा लंदन में शूट किया गया था और 2021 में उनकी 3 और फिल्में विदेशों में शूट की गई थी। चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार किया तो निभाना शूटिंग लंदन में हुई थी, जबकि सैया अरब गैले ना की शूटिंग दुबई में हुई थी। 2022 में उनकी पहली रिलीज थी आशिकी, जिसमें उन्होंने पटक कथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और एक उच्च जाति के लड़के की भूमिका निभाई जो अपने प्यार के लिए पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। उन्होंने अगली बार शादी हो तो ऐसी में अभिनय किया, जो मई में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दुल्हनिया लंदन से लाएंगे में अभिनय किया था, जिसे लंदन में शूट किया गया था और उनके सह कलाकार ब्रिटिश कलाकार ग्रेस रोडर्स और मधु शर्मा थे। उनकी अगली फिल्म राउडी इंस्पेक्टर अगस्त 2022 में भारत के कुछ हिस्सों में अलग अलग तरीकों पर और अलग अलग तारीखों पर रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशन तेलुगु में किया था, जिसे निर्देशक शंकर ने किया था। मेघाश्री ने यादव के साथ मुख्य भूमिका निभाई और उनकी भोजपुरी पहली फिल्म थी। अगस्त 2022 में उन्होंने सपना चौधरी के साथ म्यूजिक एल्बम मटक मटक से हरियाणवी डेब्यू किया था। उनकी अगली भोजपुरी फिल्म डोली सजा के रखना सितंबर 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म को 25 मल्टीप्लेक्स सहित भारत और नेपाल में कई स्क्रीन मिली। इसे 24 अक्टूबर को उनकी फिल्म बोल राधा बोल रिलीज हुई थी, जो 2022 की उनकी आखिरी फिल्म राजा की आएगी बारात थी, जो दिसंबर में रिलीज हुई थी। 2023 में उनकी पहली फिल्म फरिश्ता थी, जो 9 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में केसारी लाल यादव एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का किरदार निभाते नजर आ रहे थे। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी भोजपुरी हिट थी। सिनेमाई घरों में हफ्तों तक हाउसफुल चलती रही थी। उसके बाद लाडला 2 सितंबर 2023 में रिलीज हुई और अक्टूबर में उन्होंने संघर्ष 2 में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जो बजट के मामले में उनकी सबसे बड़ी फिल्म थी। इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो दोस्तों, इस फिल्म में संगीत दिया था अपनी शुरुआती दिनों में यादव रामायण और महाभारत में गाते थे। उनका पहला एल्बम 2008 में रिलीज हुआ था। कुछ शुरुआती प्रसिद्धि गाने हैं, सैया अरब गईले ना, पियवा रहिले सऊदी रे भौजी, माल भेटाई मेला में। 2014 में उन्होंने कोयांचल के गाने AK-47 से एक गायक के रूप में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। 2016 में उन्होंने फिल्म ग्लोबल बाबा के लिए अपना दूसरा बॉलीवुड गाना होली में उड़े गया, जिसे गाया था। 2017 में उन्होंने सर्वंग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता और उर्सवश उनके लिए उल्लेखनीय गीत कौना देवता के गरहल संवारल और जान गईले ना। 2018 में उन्होंने एकल प्रेम का मिल गल से सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक ठीक है रिलीज किया, जो 2020 में उन्होंने अपना तीसरा बॉलीवुड गाना और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा निर्मित पहला सिंगल लड़की पटाना रिलीज हुआ था, जो 2021 में उनका दूसरा बॉलीवुड सिंगल तेरे मेरे दरमियान इन बिटवीन आई एंड यू रिलीज हुआ था। केसारी लाल यादव ने प्रसिद्ध हिंदी गीत पानी पानी के भोजपुरी संस्करण में बॉलीवुड रैपर बादशाह के साथ सहयोग किया था, जिसे मूल रूप से आस्था गिल और बादशाह ने खुद गाया था। भोजपुरी संस्करण सारे गामा के तहत रिलीज किया गया था और बाद में बादशाह ने भोजपुरी भाषा में रैप किया
और इस गाने को YouTube पर अपलोड होने के 60 मिनट के भीतर 10 लाख से अधिक बार देखा गया था और ऐसा करने वाला ये पहला भोजपुरी गाना बन गया था। उन्होंने अपने अगले बॉलीवुड सिंगल रोमांटिक राजा में गायिका और संगीतकार शिप्रा गोयल के साथ काम किया है। उनकी कोरियोग्राफ मुकद्दर का सिकंदर रही थी, जिसे मुस्तदर खान ने की थी और गीत कुणाल वर्मा ने लिखे थे। उनका दूसरा हिंदी एकल था टेढ़ी पर मेरी है और भोजपुरी एकल था लड़की का रोग न पालो, नया साल नया माल हो। तो केसारी लाल यादव ने दो घूंघट गाना गाया और जो 2022 का उनका पहला भोजपुरी सिंगल गाना था। यह गाना 1973 की बॉलीवुड फिल्म झील के उस पार के गाने दो घूंट मुझे पिला दे शराबी का रीमेक था। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और एकल आशिकी प्रेमी जारी किया था, जिसका वीडियो जर्मनी में शूट किया गया था। कुछ होली गीत जारी होने के बाद उन्होंने ड्रीम मी एंट्री रिलीज की और उन्होंने अपनी फिल्म आशिकी में 6 गाने गाए हैं और 2023 में होली गाने रिलीज किए हैं। उन्होंने आगे एक चैता गीत ले ले आइकन कोका कोला, जिसे अनुवाद किया है बिर्क कोका कोला ने जारी किया है, जो वैश्विक यूट्यूब संगीत चार्ट में शीर्ष पर रहा है, और एक भोजपुरी सिंगल नथुनिया द नोज रिंग में चार्ट में टॉप 5 में जगह बनाई है। इस साल का उनका पहला हिंदी सिंगल कमरिया कोका कोला अप्रैल 2022 में टी सीरीज द्वारा रिलीज किया गया था। उन्होंने सलीम सुलेमान की रचना सुनामी पर गाना गाया था, जो जून 2022 में रिलीज हुई और एक हिंदी गाना थी। उसे महीने में उन्होंने एक और हिंदी सिंगल उनके दिल में इन हर हार्ड रिलीज किया था। उन्होंने इसके बाद अगस्त में भोजपुरी सिंगल यूपी बिहार रिलीज किया गया था। इसके बाद अगस्त में एक हिंदी सिंगल या खुदा या हे भगवान जारी किया गया था। उन्होंने प्रसिद्ध बंगाली गीत बंधु 3 दिन बाड़ी 3 डेज को भोजपुरी में फिर से बनाया गया था। इसके बाद केसारी लाल यादव ने दो हिंदी सिंगल रिलीज किया। पहला था बारिश, बारिश को 9 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया गया था, जिसमें दो अमेरनियाई मॉडल पार और सेड़ा शामिल थे। वीडियो में अमेरनिया में शूट किया गया था। जो दूसरा था महफिल, जिसके साथ उन्होंने संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की और उन्होंने एक खुद भोजपुरी एकल दिल टूट हो गया, इसे नवंबर के सप्ताह में उनका एकल तबला रिलीज हुआ था, जिसके लिए नथुनिया और ले ले आइन कोका कोला को 2022 में शीर्ष भारतीय गीतों की यूट्यूब वार्षिक सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, फिल्म फरिश्ता के उनके गाने पगले बना दी राम जी को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और रिलीज के 24 घंटे के भीतर 3.6 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। मार्च में उनका एकल नागिन रिलीज हुआ था, जिसे रिलीज के पहले 24 घंटे में 5.5 मिलियन व्यूज मिले थे, जिसे 22 अप्रैल को उन्होंने IPL टीम लखनऊ सुपर जॉइंट के एंथम खेले सुपर जॉइंट्स लखनऊआ जारी किया था, जिसे सितंबर 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केसारी लाल यादव को सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी अन्य कंपनी से जुड़ने से रोक दिया है। तो केसारी लाल यादव फाउंडेशन नामक एक NGO चलाते हैं, जो देश भर में धर्मार्थ कार्य करते हैं और वो 62 अनाथ बच्चों के अभिभावक हैं और उनकी शिक्षा का खर्च उठाते हैं। वो हर महीने एक वृद्धाश्रम जाते हैं और हर साल बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं, और 2022 में दिवाली से पहले उन्होंने जरूरतमंदों को पैसे बांटे। तो केसारी लाल यादव की लोकप्रियता और स्टारडम का एक अच्छा उदाहरण है लौंडा नाच प्रदर्शन है। अपनी फिल्म की शुरुआत से पहले ही वो लौंडा के रूप में अपने अभिनय करियर के लिए लोकप्रिय थी, चूँकि लौंडा नाच को उच्च जाति द्वारा वर्जित माना जाता था। यह कलाकार की मर्दांगनी को कमज़ोर करता है, इसीलिए यादव को उनके प्रदर्शन के लिए मजाक उड़ाया गया था और उनकी मर्दांगनी पर एक ऐसा अक्सर सवाल उठाए गए हैं। अक्षय कुमार लौंडा नाच के रूप में अपनी लोकप्रियता को उच्च जाति के बीच कलाकार के लिए सार्वभौमिक तिरस्कार के टैग के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखते हैं। अक्षय कुमार आगे बक्सर के एक ब्राह्मण शास्त्रीय संगीत शिक्षक के साक्षात्कार का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने मनोज तिवारी और पवन सिंह की सराहना की है, लेकिन केसारी लाल यादव के उल्लेख पर उन्होंने कहा है कि वो क्या हैं, वो तो एक लौंडा है। हालांकि यादव इस मामले पर बहुत साहसी रुख अपनाते नजर आए हैं और 2013 में जोगिरा को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी शोर कर रहा हूं, अगर मुझे उनके लिए फिल्म छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, मैं जनता के बीच कहा कहूँ, मैं उन्हें नचाने के लिए गाता हूँ, मैं उनका मनोरंजन करता हूँ, मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ, मैं उनसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता,
दर्शक मुझे स्क्रीन पर भी रियल लुक में देखना चाहते हैं। मैंने अपनी 15 फिल्मों में महिलाओं का अभिनय किया है और वे सभी हिट रही हैं। मुझे अफसर या अमीर आदमी बनना पसंद नहीं है, मैं उस तरह से साजन नहीं हूँ। अक्षय कुमार की लोकप्रियता को एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखते हैं जो भोजपुरी कम और अन्य प्रतिस्पर्धा मर्दांगिनी को आकार देते हैं। उनके अनुसार लैंगिक रूढ़िवादिता को फिर से स्थापित करके ही खेसारी लाल यादव अपने साथियों से आगे निकल जाते हैं और एक ये प्रमुख विद्रोही व्यक्ति के रूप में सामने आ जाते हैं। लाडला 2 फिल्म में उषा यादव जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। वह रोल है खेसारी लाल यादव की माँ का। उनका रोल इतना अच्छा रहा कि दर्शक ने उनकी काफ़ी सराहनाएँ भी की हैं। तो उषा यादव एक भारतीय शिक्षाविद, समकालीन हिंदी साहित्य की लेखिका और पद्मश्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी हैं। वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और मित्रलाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान से सदस्य बनी हुई हैं। वैज्ञानिक वो एक सांस्कृतिक संगठन रेनबो के अध्यक्ष और ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव भी हैं। उन्हें 10 से अधिक प्रमुख संस्कारों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिन्हें यूपी हिंदी संस्थान लखनऊ बच्चों के साहित्य के सर्वोच्च सम्मान बाल साहित्य भारती भी शामिल है। उनकी 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उनका उपन्यास काहेरी नालनी साहित्य अकादमी को शामिल किया गया है, जो मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2021 में उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, जो भारत गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने सन 1948 में कानपुर में जन्मी उषा ने अपना बचपन शहर में बिताया और स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की थी। डॉक्टर उषा यादव को बचपन से ही कविताओं का शौक था, जो 9 साल की उम्र में शुरू हुई और उनकी पहली कविता उनकी स्कूल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाडला 2, खेसारी लाल यादव की फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का ट्रेलर भोजपुरी के फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। लाडला 2 के निर्देशक प्रेमांशु सिंह हैं, जो एक बार फिर से एक बेहतरीन फिल्म लेकर आए हैं। फिल्म में खेसारी लाल यादव के अलावा माया यादव और मेघा श्री मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म 2015 में आई लाडला का सीक्वल है, जो माँ और बेटे के रिश्ते पर आधारित फिल्म है। लाडला 2 की बात करें तो इसकी कहानी पहले पार्ट से बिल्कुल अलग है। फिल्म के पार्ट में शूटिंग इंडिया में हुई थी और इस पार्ट की शूटिंग लंदन में हुई है। उसी तरह इस फिल्म की कहानी भी अलग है। लाडला 2 में खेसारी लाल यादव अपनी माँ को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनको प्यार मेघाश्री से हो जाता है। फिर शुरू होता है माँ और प्रेमिका के बीच का द्वंद्व, जो इस प्रकार फिल्म को अलग लेवल पर लेकर जाता है। लाडला 2 का ट्रेलर में फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक लाडला 2 को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि इस फिल्म की कहानी मेरे दिल के करीब है, अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम कलाकार हैं तो यही काम करते हैं। उम्मीद है कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आने वाली है। तो लाडला 2 को अभिनय सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर कहा है कि यह एक सामाजिक और पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने बेहद शानदार काम किया है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी। फिल्म की रिलीज डेट हम जल्द ही साझा करेंगे। लाडला 2 में अमित, अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोड़ा और गजेंद्र प्रताप द्विवेदी भी हैं। फिल्म को प्रेमांशु सिंह ने डायरेक्ट किया है। भोजपुरी फिल्म लाडला 2 प्रेमांशु सिंह ने निर्देशित किया है और अभिनय सिन्हा ने निर्माण किया है। इस फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा और भोजपुरी फिल्म लाडला 2 के निर्माताओं ने आगामी फिल्म का पहला लुक जारी कर दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। फिल्म में गायक अभिनेता खेसारी लाल यादव और मेघा श्री मुख्य भूमिका में हैं। पोस्टर खेसारी लाल यादव भावुक दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के पोस्टर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक फैमिली वाली कहानी पर फिल्म होगी, क्योंकि अभिनेता अपनी ऑन स्क्रीन माँ को प्यार से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पोस्टर में मेघा श्री एक कॉलेज गर्ल के रूप में नजर आ रही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की अपकमिंग फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में माँ और पत्नी के बीच लड़ाई की कहानी है। ट्रेलर देखकर कहानी के बारे में पता चलता है। यह एक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव माँ के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें दूर रखना चाहती हैं। फिल्म का ट्रेलर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक लव स्टोरी और फैमिली के बीच की थीम पर होगी, क्योंकि अभिनेता खेसारी लाल यादव अपनी स्क्रीनिंग अप माँ को प्यार से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनय सिन्हा का कहना है कि लाडला 2 में
माँ बेटे के प्रेम और अनमोल रिश्ते की कहानी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है। इसका निर्माण हमने भव्यता के साथ किया है और इस फिल्म का पहला पार्ट सुपर डुपर हिट रहा था। तो फैंस को भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म और म्यूजिक वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस से चाहने वालों को निराश किया हो। फिर देर की किस बात की है। भोजपुरी एक्टर की अपकमिंग फिल्म लाडला 2 देखने के लिए तैयार रहिए। फिल्म रिलीज होने में अभी वक्त है, लेकिन तब तक आपको लाडला 2 का खूबसूरत पोस्टर दिखा देते हैं। तो लाडला 2 का पोस्टर अभिनीत सिन्हा द्वारा निर्मित भोजपुरी फिल्म लाडला 2 का फर्स्ट लुक आज आउट कर दिया गया है। इस फिल्म में सुपर स्टार खेसारी लाल यादव मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म के फर्स्ट लुक में खेसारी लाल यादव के साथ साथ माया यादव नजर आ रही हैं। ये फिल्म लाडला का सीक्वल है, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। तब से ये फिल्म ब्लैकबस्टर रही थी और उसके दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब इस फिल्म का सीक्वल लाडला 2 के रूप में बनकर तैयार हो चुका है, तो जिसका ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज होगा। माँ बेटे के प्रेम पर बनी यह फिल्म है। अभिनीत सिन्हा का कहना है कि लाडला 2 में माँ बेटे के प्रेम और अनमोल रिश्ते की कहानी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर आधारित है। इसका निर्माण हमने भव्यता के साथ किया है और इस फिल्म का पहला फर्स्ट पार्ट सुपर डुपर हिट रहा था, इसीलिए मैंने इस फिल्म को इस तरह से बनाया है कि कहानी लोगों को एक इंटरटेन करे और उन्हें फिल्म के यूनिक होने का एहसास भी हो। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की नवीनतम फिल्म लाडला 2 कल यानी कि 22 सितंबर को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है। ये उनकी पिछली फिल्म लाडला का सीक्वल है, जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म माँ और एक बेटे के रिश्ते के बारे में है, जो साबित हुई है कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही है। अब देखें कि सीक्वल जनता के बीच में कैसा प्रदर्शन कर पाता है कि नहीं। यह एक मीडिया हाउस द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के मुताबिक फिल्म को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्लिप में प्रशंसक फिल्म का सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वे लाडला 2 फिर से देखेंगे। हम हर आयु वर्ग के प्रशंसकों को फिल्म के प्रीमियम में भाग लेते देख सकते हैं। कुछ प्रशंसकों ने कहा है कि उन्हें लाडला 2 में रोमांस का एंगल और गाने पसंद आए हैं, जबकि अन्य ने कहा है कि यह एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है। लाडला 2 का निर्देशन प्रेमांशु सिंह ने किया है और फिल्म के कलाकारों में खेसारी लाल यादव, मेघा श्री, माया यादव, अमित अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोरा और गजेंद्र प्रताप द्विवेदी शामिल हैं। इसके निर्माता अभय कुमार सिन्हा और सह निर्माता अनिल कुमार सिंह और विवेक कुमार हैं। फिल्म के गीतकार अरविंद तिवारी हैं, विनय निर्मल सत्य समारकर और बबुआ विकास हैं और संगीत ओम ओझा ने संभाला है। रिपोर्ट्सों के मुताबिक पहली फिल्म की शूटिंग देश में हुई थी, जबकि सीक्वल की शूटिंग लंदन में हुई थी। खेसारी लाल यादव को 2011 में फिल्म साजन चली ससुराल से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उन्होंने 2014 में फिल्म कोयांचल के लिए AK-47 के साथ बॉलीवुड में सिंगिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म ग्लोबल बाबा से डेब्यू किया और उन्होंने इस फिल्म के लिए होली में उड़े नाम से एक गाना भी गाया था। उन्हें 2019 में रियलिटी टीवी शो बिग बॉस हिंदी त्यारा में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में भी देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक प्रेमांशु सिंह कि लाडला 2 में खेसारी लाल के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मेघा श्री और माया यादव अहम रोल में हैं। ये मूवी साल 2015 में आई लाडला का सीक्वल है। फिल्म लाडला 2 का ट्रेजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से सुपर हिट डुपर हिट बनाया है। तो भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन यानी कि खेसारी लाल यादव इन दिनों एक से बढ़कर एक भोजपुरी फिल्में ला रहे हैं। इसी बीच अब उनकी फिल्म लाडला 2 का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को लेकर खेसारी लाल बीते काफ़ी वक्त से चर्चा में बने हुए हैं। मूवी का ट्रेलर और सॉन्ग आउट होने के साथ साथ फैंस ने फिल्म के रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गया है। वहीं ट्रेलर ने फैंस की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। ये ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। माँ के प्यार के आगे भूल गई सारी दुनिया, यासी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कृत और अभिनीत सिन्हा निर्मित भोजपुरी फिल्म लाडला 2 का ट्रेजल आज यानी कि 14 अगस्त को इंटरटेन और रंगीला और यसी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। करीब 4 मिनट के इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक बेटा अपनी मां के
प्यार में पूरी दुनिया को भुला देता है। उसकी माँ ही उसके लिए भगवान है। और इस फिल्म में खेसारी लाल को पाने के लिए जाल बुनती है उनकी प्रेमिका आई। तो निर्देशक प्रेमांशु सिंह को लाडला टू में खेसारी लाल के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मेघाश्री और माया यादव अहम रोल में हैं। ये मूवी साल 2015 में आई लाडला का सीक्वल है। इस मूवी में दिखाया गया है कि खेसारी लाल यादव को पाने के लिए उनकी प्रेमा यानी कि मेघाश्री ना जाने कैसे कैसे चाल चलती हैं। वह खेसारी लाल की माँ से कहती हैं कि उन्हें पति चाहिए, माँ की पल्लू में बंधा हुआ बच्चा नहीं। फिर शुरू होता है माँ और प्रेमिका के बीच की जंग। इस द्वंद्व पर आधारित है लाडला टू। इसके निर्माता अभिनय सिन्हा, इनमें खेसारी लाल यादव के साथ अमित अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोरा, गजेंद्र प्रताप द्विवेदी मुख्य भूमिका में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। लाडला टू फिल्म में एक्ट्रेस हैं मेघाश्री। मेघाश्री जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो मेघाश्री एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़, तेलुगू और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में काम करती नजर आ रही हैं। उन्हें अलौकिक टेलीविजन श्रृंखला नागकन्निके और ज्योति में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म बेंगलुरु कर्नाटक भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता है भारतीय। इनका पेशा है अभिनेत्री और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2015 से वर्तमान तक तो उसी वर्ष तेलुगु फिल्म अनाग नागा ओका चित्र में अभिनय करने से पहले मेघाश्री ने तेलुगु फिल्म पंचमुखी 2015 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उन्होंने काका का अबाथिन अरिकुरी 2017 से तमिल में डेब्यू किया था और उसी वर्ष उन्होंने फिल्म 22 मार्च से कन्नड़ में पदार्पण किया और ऑक्सीजन में सहायक भूमिका में अभिनय किया था। तब मेघाश्री ने जूनियर एनटीआर की सबसे हिट अरविंद समिता वीरा राघव 2018 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो कृष्णा तुलसी 2018, कद्दू मुच्ची 2019 और दशरथ 2019 सहित कई कन्नड़ फिल्मों में दिखाई दी हैं। डेक्कन कार्निकाल द्वारा कृष्ण तुलसी की समीक्षा में समीक्षक ने लिखा है कि मेघाश्री ही हैं जो इस फिल्म में इसके साथ साथ अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही हैं। और बाद में उन्होंने कन्नड़ टेलीविजन धारावाहिक नागा कन्निके और इवालू सुजाता में मुख्य भूमिका निभाती नजर आई हैं। वर्ष 2019 में बिग बॉस कन्नड़ सीजन 6 में वर्ल्ड वाइड एंट्री के रूप में दिखाई दी हैं और 2021 में मेघाश्री ने एक अलौकिक टेलीविजन श्रृंखला ज्योति में शीर्षक भूमिका निभाई है जो नंदिनी की अगली कड़ी थी। 2022 में भोजपुरी में डेब्यू करने के बाद उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में फरिश्ता में खेसारी लाल यादव के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म ब्लैकबस्टर रही और पिछले 10 वर्षों के लिए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाडला टू में खेसारी लाल यादव ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाया गया रोल माँ और बेटे के बीच का अहम रोल है, तो इस रोल को इन्होंने अपनी बखूबी अंदाज और तरीके से निभाया है। तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं। जिन्हें पेशेवर रूप से खेसारी लाल यादव के नाम से जाना जाता है और वो एक भारतीय अभिनेता, गायक, नर्तक और मॉडल भी हैं जो मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं और इनिशियलजिम के LY के नाम से भी जाने जाते हैं। यादव 70 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 5000 से अधिक गानों में गायक के रूप में प्रदर्शन किया है। उन्होंने भोजपुरी के अलावा हिंदी, अवधी और हरियाणवी भाषाओं में भी काम किया है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म शत्रुघ्न कुमार यादव के नाम से हुआ था, जिन्हें 15 मार्च 1986 को इनका जन्म हुआ था और धानाडीह सरण विहार भारत में इनका जन्म हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, गायक और नृतक भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2011 से वर्तमान तक और इन्हें जाना जाता है गायना सैया आई अरब गैलेना और इनकी जीवन संगनी हैं चंदा देवी। इनके 2 बच्चे हैं और बिहार के छपरा में जन्मे खेसारी लाल यादव ने 2000 के दशक के अंत में अपना गायन करियर शुरू किया और वर्ष 2011 में साजन चले ससुराल में दिखाई देने के बाद उनका अभिनय करियर स्थिर रहा था। उन्होंने 2014 में फिल्म कोयांचल में AK-47 के साथ एक गायक के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उन्होंने 2016 के भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार जीता और इसके बाद 2018 में मेहंदी लगा के रखना में अपनी उपस्थिति के सबरंग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार जीता था। वर्ष 2019 में उन्होंने फिल्म संघर्ष में अपनी भूमिका के लिए 4 और पुरस्कार जीते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भाग लिया और वर्ष 2020 में उनका
तीसरा हिंदी फिल्म गीत और पहला हिंदी भाषा का एकल लड़की पटाना सोनी म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में तेरे मेरे दरमियान आया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बादशाह के साथ सहयोग किया और पानी पानी गाने को भोजपुरी भाषा में दोबारा बनाने के लिए उन्होंने वर्ष 2022 में उन्होंने अपनी फिल्म आस्किम से पटकथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और यूट्यूब ने 2022 के शीर्षक भारतीय गीतों की सूची में उनके दो गीतों को शामिल किया था। खेसारी लाल यादव का जन्म शत्रुघ्न कुमार यादव के रूप में 15 मार्च 1986 को बिहार के सरण जिले के थानाडीह गांव में हुआ था। वे कम आय वाले परिवार से थे। बचपन में उनकी अधिक बोलने की आदत के कारण उन्हें मंच पर नाम खेसारी मिला, जो खेसारी के साथ सम्मान था। एक फसल जिसे किसी ने पानी या उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है और कहीं भी ठीक उगती है। उनका जन्म अपने घर में नहीं हुआ था क्योंकि उनके माता पिता का मिट्टी का घर बारिश में ढह गया था और उन्हें एक पक्का घर किराए पर लेना पड़ा था। जहां खेसारी लाल यादव जी का जन्म हुआ था, उनके पिता मंगरू लाल यादव घर का खर्च चलाने के लिए सुबह सड़क पर चना बेचा करते थे और रात में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया करते थे। खेसारी लाल यादव 7 भाई बहनों में से एक हैं, जिनमें से 3 उनके भाई हैं और अन्य 4 चाचा के बेटे हैं, जिनकी माँ की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। उन्हें पालने के लिए खेसारी लाल की माँ आगे आई। उनके पिता दिल्ली में कमाते थे और वो अपनी माँ और चाचा के साथ छपरा में रहते थे। बाद में उनकी माँ भी घर के कामों में अपने पति की मदद करने के लिए दिल्ली चली गई थी और खेसारी लाल अपने भाई बहनों और चाचा के साथ रहने लगे थे। खेसारी लाल यादव बचपन में मवेशी चराया करते थे और उनका दूध बेचते थे। उनका विवाह चंदा देवी से हुआ था, जिसने उन्होंने 2006 में विवाह किया था। और कहा जाता है कि यादव अपनी पत्नी के प्रति बहुत समर्पित थे, उन्हें अपना भाग्यशाली आकर्षण कहते थे और उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। सन 1998 और 99 के दौरान खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी थिएटरों में एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जहाँ वह रामायण और महाभारत में गाते थे। उन्होंने भोजपुरी लोक नृत्य लौंडा नाच भी सीखा। बाद में वो दिल्ली के ओखला भी चले गए थे, जहां उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी के साथ लिट्टी चोखा बेचना शुरू कर दिया था। लिट्टी चोखा बेचने के बाद बचाए गए पैसों से उन्होंने 12,000 खर्च करके अपना एक एल्बम लॉन्च किया था, लेकिन ये एक बड़ी फ्लॉप रही थी। इसके बाद उन्होंने गुड्डू रंगीला के साथ नौकर के रूप में काम करना शुरू किया था उनके घर में, जो उन दिनों एक प्रसिद्ध भोजपुरी गायक थे। कुछ पैसे बचाने के बाद उन्होंने फिर से अपना दूसरा एल्बम लॉन्च किया था 25,000 रुपये खर्च करके, जिसे दर्शकों से बेहतर प्रतिक्रिया मिली और उन्हें कुछ प्रसिद्धि भी मिली थी। उसके बाद उन्हें विभिन्न संगीत कंपनियों से परियोजनाओं में निवेश मिलना शुरू हो गया था, लेकिन मार्केटिंग उन्हें खुद ही करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया था कि वो खुद बिहार और यूपी के कई जिलों में अपना एल्बम कैसेट का प्रचार करते थे। दिन में रात में जहाँ भी गायन और नृत्य का कार्यक्रम होता, वो ट्रेन से जाते थे और वहाँ साउंड ऑपरेटर को कुछ पैसे देकर अपना गाना बजाने के लिए कहते थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मान भी जाते थे, लेकिन कुछ लोग गाली गलौज पर उतर आते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी उनके पैसे ऐसे ही खर्च हो जाया करते थे और कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो बिना खाए ही सो जाते थे। गायक के रूप में सफलता पाने के बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चले गए थे। खेसारी लाल यादव ने खुलासा किया कि मनोज तिवारी के मैनेजर ने उन्हें गुपचुप तरीके से तिवारी के घर पर रखा था और इस अवधि में उन्होंने लड़ाई सीखी और फिर आलोक कुमार के साथ साजन चले ससुराल में अभिनय किया, जो हिट रही और एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं खेसारी लाल यादव के जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था। तो उन्होंने 2012 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनमें से उन्होंने साजन की मुख्य भूमिका निभाई और एक गांव का लड़का है जो उस लड़की से शादी करने के लिए शहर जाता है। उसके साथ उसकी शादी बचपन में तय हुई है। उनकी दूसरी फिल्म है जान तेरे नाम थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया था जो अभिनेता बनना चाहता था। अक्षय कुमार अपने एक लेख में लिखते हैं कि फिल्म सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में एक संवाद स्थापित करती है जो संपाति परिवार को चुनौती देती है और उसकी विकृत चिंताओं को जागृत करती है। 2012 और 16 के बीच उन्होंने नागिन 2012, ए बलमा बिहार वाला 2013, छपरा एक्सप्रेस 2013 और प्रतिज्ञा 2 2014 और खिलाड़ी 2016 सहित 42 भोजपुरी फिल्में की हैं, जिन्होंने सर्वंग फिल्म अवार्ड्स में 4 पुरस्कार जीते हैं।
सन 2016 में उन्होंने ग्लोबल बाबा में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिनमें उन्होंने होली में उड़े नामक एक गाना गाया और इसमें संदीपा धर और पंगत त्रिपाठी के साथ प्रदर्शन भी किया था। मेहंदी लगा के रखना 2017 में उनकी भूमिका के लिए, जो तेलुगु फिल्म अदावरी मतलाकू अर्थले वेलू का रीमेक है। उन्होंने सबरंग फिल्म अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता था। माई सेहरा बांध के आऊँगा 2017, मुकद्दर 2017, डमरू 2018, दुल्हन गंगा पार के 2018 जैसी फिल्में करने के बाद वो संघर्ष 2018 में दिखाई दिए थे, जो नारे का समर्थन करने वाली एक सामाजिक फिल्म थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिल्म के अलग अलग अवार्ड शो में 19 अवार्ड जीते थे। सन 2018 में खेसारी लाल यादव ने नागदेव में अभिनय किया था, जो VFX का उपयोग करने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी। फिल्म के लगभग 40% दृश्यों में से VFX का उपयोग किया गया था और ये VFX का उपयोग करने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी। इस अवधि में उनकी अन्य फिल्में बलम जी लव यू 2018, दबंग सरकार 2018, कुली नंबर 1 2019 है। उनकी फिल्म बागी अयोध्या एक देश भक्ति फिल्म थी, जिसमें मुजफ्फरपुर आश्रम मामले के बारे में विवाद की गई थी। उन्होंने भाग केसारी भाग 2019 नाम की एक स्पोर्ट फिल्म भी की थी, जो 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लेकर टेलीविजन पर भी अपनी शुरुआत की थी। और उनकी फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 2020 तमिल फिल्म वेलैया पट्टाधारी की रीमेक है। उनकी दुल्हन वही जो पिया मन भावे 2021 विदेश में शूट होने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म का 90% हिस्सा लंदन में शूट किया गया था और 2021 में उनकी 3 और फिल्में विदेशों में शूट की गई थी। चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार किया तो निभाना शूटिंग लंदन में हुई थी, जबकि सैया अरब गैलेना की शूटिंग दुबई में हुई थी। 2022 में उनकी पहली रिलीज थी आशिकी, जिसमें उन्होंने पटक कथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और एक उच्च जाति के लड़के की भूमिका निभाई जो अपने प्यार के लिए पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। उन्होंने अगली बार शादी हो तो ऐसी में अभिनय किया, जो मई में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दुल्हनिया लंदन से लाएंगे में अभिनय किया था, जिसे लंदन में शूट किया गया था और उनके सह कलाकार ब्रिटिश कलाकार ग्रेस रोडर्स और मधु शर्मा थे। उनकी अगली फिल्म राउडी इंस्पेक्टर अगस्त 2022 में भारत के कुछ हिस्सों में अलग अलग तरीकों पर और अलग अलग तारीखों पर रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशन तेलुगु में किया था, जिसे निर्देशक शंकर ने किया था। मेघाश्री ने यादव के साथ मुख्य भूमिका निभाई और उनकी भोजपुरी पहली फिल्म थी। अगस्त 2022 में उन्होंने सपना चौधरी के साथ म्यूजिक एल्बम मटक मटक से हरियाणवी डेब्यू किया था। उनकी अगली भोजपुरी फिल्म डोली सजा के रखना सितंबर 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म को 25 मल्टीप्लेक्स सहित भारत और नेपाल में कई स्क्रीन मिली। इसे 24 अक्टूबर को उनकी फिल्म बोल राधा बोल रिलीज हुई थी, जो 2022 की उनकी आखिरी फिल्म राजा की आएगी बारात थी, जो दिसंबर में रिलीज हुई थी। 2023 में उनकी पहली फिल्म फरिश्ता थी, जो 9 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में केसारी लाल यादव एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का किरदार निभाते नजर आ रहे थे। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी भोजपुरी हिट थी। सिनेमाई घरों में हफ्तों तक हाउसफुल चलती रही थी। उसके बाद लाडला 2 सितंबर 2023 में रिलीज हुई और अक्टूबर में उन्होंने संघर्ष 2 में एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जो बजट के मामले में उनकी सबसे बड़ी फिल्म थी। इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। तो दोस्तों, इस फिल्म में संगीत दिया था अपनी शुरुआती दिनों में यादव रामायण और महाभारत में गाते थे। उनका पहला एल्बम 2008 में रिलीज हुआ था। कुछ शुरुआती प्रसिद्धि गाने हैं, सैया अरब गईले ना, पियवा रहिले सऊदी रे भौजी, माल भेटाई मेला में। 2014 में उन्होंने कोयांचल के गाने AK-47 से एक गायक के रूप में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। 2016 में उन्होंने फिल्म ग्लोबल बाबा के लिए अपना दूसरा बॉलीवुड गाना होली में उड़े गया, जिसे गाया था। 2017 में उन्होंने सर्वंग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता और उर्सवश उनके लिए उल्लेखनीय गीत कौना देवता के गरहल संवारल और जान गईले ना। 2018 में उन्होंने एकल प्रेम का मिल गल से सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक ठीक है रिलीज किया, जो 2020 में उन्होंने अपना तीसरा बॉलीवुड गाना और सोनी म्यूजिक इंडिया द्वारा निर्मित पहला सिंगल लड़की पटाना रिलीज हुआ था, जो 2021 में उनका दूसरा बॉलीवुड सिंगल तेरे मेरे दरमियान इन बिटवीन आई एंड यू रिलीज हुआ था। केसारी लाल यादव ने प्रसिद्ध हिंदी गीत पानी पानी के भोजपुरी संस्करण में बॉलीवुड रैपर बादशाह के साथ सहयोग किया था, जिसे मूल रूप से आस्था गिल और बादशाह ने खुद गाया था। भोजपुरी संस्करण सारे गामा के तहत रिलीज किया गया था और बाद में बादशाह ने भोजपुरी भाषा में रैप किया और इस गाने को YouTube पर अपलोड होने के 60 मिनट के भीतर 10 लाख से अधिक बार देखा गया था।
और ऐसा करने वाला ये पहला भोजपुरी गाना बन गया था। उन्होंने अपने अगले बॉलीवुड सिंगल रोमांटिक राजा में गायिका और संगीतकार शिप्रा गोयल के साथ काम किया है। उनकी कोरियोग्राफ मुकद्दर का सिकंदर रही थी, जिसे मुस्तदर खान ने की थी और गीत कुणाल वर्मा ने लिखे थे। उनका दूसरा हिंदी एकल था टेढ़ी पर मेरी है और भोजपुरी एकल था लड़की का रोग न पालो नया साल नया माल हो। तो केसारी लाल यादव ने दो घूंघट गाना गाया और जो 2022 का उनका पहला भोजपुरी सिंगल गाना था। यह गाना 1973 की बॉलीवुड फिल्म झील के उस पार के गाने दो घूंट मुझे पिला दे शराबी का रीमेक था। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और एकल आशिकी प्रेमी जारी किया था, जिसका वीडियो जर्मनी में शूट किया गया था। कुछ होली गीत जारी होने के बाद उन्होंने ड्रीम मी एंट्री रिलीज की और उन्होंने अपनी फिल्म आशिकी में 6 गाने गाए हैं और 2023 में होली गाने रिलीज किए हैं। उन्होंने आगे एक चैता गीत ले ले आइकन कोका कोला, जिसे अनुवाद किया है बिर्क कोका कोला ने जारी किया है, जो वैश्विक यूट्यूब संगीत चार्ट में शीर्ष पर रहा है, और एक भोजपुरी सिंगल नथुनिया द नोज रिंग में चार्ट में टॉप 5 में जगह बनाई है। इस साल का उनका पहला हिंदी सिंगल कमरिया कोका कोला अप्रैल 2022 में टी सीरीज द्वारा रिलीज किया गया था। उन्होंने सलीम सुलेमान की रचना सुनामी पर गाना गाया था, जो जून 2022 में रिलीज हुई और एक हिंदी गाना थी। उसे महीने में उन्होंने एक और हिंदी सिंगल उनके दिल में इन हर हार्ड रिलीज किया था। उन्होंने इसके बाद अगस्त में भोजपुरी सिंगल यूपी बिहार रिलीज किया गया था। इसके बाद अगस्त में एक हिंदी सिंगल या खुदा या हे भगवान जारी किया गया था। उन्होंने प्रसिद्ध बंगाली गीत बंधु 3 दिन बाड़ी 3 डेज को भोजपुरी में फिर से बनाया गया था। इसके बाद केसारी लाल यादव ने दो हिंदी सिंगल रिलीज किया। पहला था बारिश, बारिश को 9 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया गया था, जिसमें दो अमेरनियाई मॉडल पार और सेड़ा शामिल थे। वीडियो में अमेरनिया में शूट किया गया था। जो दूसरा था महफिल, जिसके साथ उन्होंने संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की और उन्होंने एक खुद भोजपुरी एकल दिल टूट हो गया। इसे नवंबर के सप्ताह में उनका एकल तबला रिलीज हुआ था, जिसके लिए नथुनिया और ले ले आइन कोका कोला को 2022 में शीर्ष भारतीय गीतों की यूट्यूब वार्षिक सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, फिल्म फरिश्ता के उनके गाने पगले बना दी राम जी को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और रिलीज के 24 घंटे के भीतर 3.6 मिलियन से अधिक बार देखा गया था। मार्च में उनका एकल नागिन रिलीज हुआ था, जिसे रिलीज के पहले 24 घंटे में 5.5 मिलियन व्यूज मिले थे, जिसे 22 अप्रैल को उन्होंने IPL टीम लखनऊ सुपर जॉइंट के एंथम खेले सुपर जॉइंट्स लखनऊआ जारी किया था, जिसे सितंबर 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केसारी लाल यादव को सितंबर 2025 तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी अन्य कंपनी से जुड़ने से रोक दिया है। तो केसारी लाल यादव फाउंडेशन नामक एक NGO चलाते हैं, जो देश भर में धर्मार्थ कार्य करते हैं, और वो 62 अनाथ बच्चों के अभिभावक हैं और उनकी शिक्षा का खर्च उठाते हैं। वो हर महीने एक वृद्धाश्रम जाते हैं और हर साल बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं, और 2022 में दिवाली से पहले उन्होंने जरूरतमंदों को पैसे बांटे। तो केसारी लाल यादव की लोकप्रियता और स्टारडम का एक अच्छा उदाहरण है लौंडा नाच प्रदर्शन है। अपनी फिल्म की शुरुआत से पहले ही वो लौंडा के रूप में अपने अभिनय करियर के लिए लोकप्रिय थी, चूँकि लौंडा नाच को उच्च जाति द्वारा वर्जित माना जाता था। यह कलाकार की मर्दांगनी को कमज़ोर करता है, इसीलिए यादव को उनके प्रदर्शन के लिए मजाक उड़ाया गया था और उनकी मर्दांगनी पर एक ऐसा अक्सर सवाल उठाए गए हैं। अक्षय कुमार लौंडा नाच के रूप में अपनी लोकप्रियता को उच्च जाति के बीच कलाकार के लिए सार्वभौमिक तिरस्कार के टैग के खिलाफ विद्रोह के रूप में देखते हैं। अक्षय कुमार आगे बक्सर के एक ब्राह्मण शास्त्रीय संगीत शिक्षक के साक्षात्कार का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने मनोज तिवारी और पवन सिंह की सराहना की है, लेकिन केसारी लाल यादव के उल्लेख पर उन्होंने कहा है कि वो क्या हैं, वो तो एक लौंडा है। हालांकि यादव इस मामले पर बहुत साहसी रुख अपनाते नजर आए हैं और 2013 में जोगिरा को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मैं अभी भी शोर कर रहा हूं, अगर मुझे उनके लिए फिल्म छोड़नी पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। मैं जनता के बीच कहा कहूँ, मैं उन्हें नचाने के लिए गाता हूँ, मैं उनका मनोरंजन करता हूँ, मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ, मैं उनसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दर्शक मुझे स्क्रीन पर भी रियल लुक में देखना चाहते हैं,
मैंने अपनी 15 फिल्मों में महिलाओं का अभिनय किया है और वे सभी हिट रही हैं। मुझे अफसर या अमीर आदमी बनना पसंद नहीं है, मैं उस तरह से साजन नहीं हूँ। अक्षय कुमार की लोकप्रियता को एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखते हैं जो भोजपुरी कम और अन्य प्रतिस्पर्धा मर्दांगिनी को आकार देते हैं। उनके अनुसार लैंगिक रूढ़िवादिता को फिर से स्थापित करके ही केसारी लाल यादव अपने साथियों से आगे निकल जाते हैं और एक ये प्रमुख विद्रोही व्यक्ति के रूप में सामने आ जाते हैं। लाडला 2 फिल्म में उषा यादव जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। वह रोल है केसारी लाल यादव की माँ का। उनका रोल इतना अच्छा रहा कि दर्शक ने उनकी काफ़ी सराहनाएँ भी की हैं। तो उषा यादव एक भारतीय शिक्षाविद, समकालीन हिंदी साहित्य की लेखिका और पद्मश्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी हैं। वो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और मित्रलाल मणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान से सदस्य बनी हुई हैं। वैज्ञानिक वो एक सांस्कृतिक संगठन रेनबो के अध्यक्ष और ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव भी हैं। उन्हें 10 से अधिक प्रमुख संस्कारों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिन्हें यूपी हिंदी संस्थान लखनऊ बच्चों के साहित्य के सर्वोच्च सम्मान बाल साहित्य भारती भी शामिल है। उनकी 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उनका उपन्यास काहेरी नालनी साहित्य अकादमी को शामिल किया गया है, जो मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय वीर सिंह देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2021 में उन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भवन नई दिल्ली में हिंदी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, जो भारत गणराज्य का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने सन 1948 में कानपुर में जन्मी उषा ने अपना बचपन शहर में बिताया और स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की थी। डॉक्टर उषा यादव को बचपन से ही कविताओं का शौक था, जो 9 साल की उम्र में शुरू हुई और उनकी पहली कविता उनकी स्कूल पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाडला 2 की बात करें तो इसकी कहानी पहले पार्ट से बिल्कुल अलग है। फिल्म के पार्ट में शूटिंग इंडिया में हुई थी और इस पार्ट की शूटिंग लंदन में हुई है। उसी तरह इस फिल्म की कहानी भी अलग है। लाडला 2 में केसारी लाल यादव अपनी माँ को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनको प्यार मेघाश्री से हो जाता है। फिर शुरू होता है माँ और प्रेमिका के बीच का द्वंद्व, जो इस प्रकार फिल्म को अलग लेवल पर लेकर जाता है। लाडला 2 का ट्रेलर में फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक लाडला 2 को लेकर केसारी लाल यादव ने कहा है कि इस फिल्म की कहानी मेरे दिल के करीब है, फिर अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम कलाकार हैं तो यही काम करते हैं। उम्मीद है कि दर्शकों को फिल्म बेहद पसंद आने वाली है। तो लाडला 2 को अभिनय सिन्हा ने प्रोड्यूस किया है। उन्होंने इस फिल्म को लेकर कहा है कि यह एक सामाजिक और पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में सभी कलाकारों ने बेहद शानदार काम किया है। मुझे उम्मीद है कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी। फिल्म की रिलीज डेट हम जल्द ही साझा करेंगे। लाडला 2 में अमित, अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोड़ा और गजेंद्र प्रताप द्विवेदी भी हैं। फिल्म को प्रेमांशु सिंह ने डायरेक्ट किया है। भोजपुरी फिल्म लाडला 2 प्रेमांशु सिंह ने निर्देशित किया है और अभिनय सिन्हा ने निर्माण किया है। इस फिल्म का ट्रेलर 14 अगस्त 2023 को रिलीज किया जाएगा और भोजपुरी फिल्म लाडला 2 के निर्माताओं ने आगामी फिल्म का पहला लुक जारी कर दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। फिल्म में गायक अभिनेता केसारी लाल यादव और मेघाश्री मुख्य भूमिका में हैं। पोस्टर केसारी लाल यादव भावुक दिखाई दे रहे हैं। फिल्म के पोस्टर में अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह एक फैमिली वाली कहानी पर फिल्म होगी, क्योंकि अभिनेता अपनी ऑन स्क्रीन माँ को प्यार से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पोस्टर में मेघाश्री एक कॉलेज गर्ल के रूप में नजर आ रही हैं। भोजपुरी सुपरस्टार केसारी लाल यादव की अपकमिंग फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में माँ और पत्नी के बीच लड़ाई की कहानी है। ट्रेलर देखकर कहानी के बारे में पता चलता है। यह एक पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म में केसारी लाल यादव माँ के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें दूर रखना चाहती हैं। फिल्म का ट्रेलर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक लव स्टोरी और फैमिली के बीच की थीम पर होगी, क्योंकि अभिनेता केसारी लाल यादव अपनी स्क्रीनिंग अप माँ को प्यार से गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनय सिन्हा का कहना है कि लाडला 2 में माँ बेटे के प्रेम और अनमोल रिश्ते की कहानी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर आधारित फिल्म है। इसका निर्माण हमने भव्यता के साथ किया है और इस फिल्म का पहला पार्ट सुपर डुपर हिट रहा था।
तो फैंस को भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म और म्यूजिक वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि एक्टर ने अपनी परफॉर्मेंस से चाहने वालों को निराश किया हो, फिर देर की किस बात की है। भोजपुरी एक्टर की अपकमिंग फिल्म लाडला 2 देखने के लिए तैयार रहिए। फिल्म रिलीज होने में अभी वक्त है, लेकिन तब तक आपको लाडला 2 का खूबसूरत पोस्टर दिखा देते हैं। तो लाडला 2 का पोस्टर अभिनीत सिन्हा द्वारा निर्मित भोजपुरी फिल्म लाडला 2 का फर्स्ट लुक आज आउट कर दिया गया है। इस फिल्म में सुपर स्टार खेसारी लाल यादव मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म के फर्स्ट लुक में खेसारी लाल यादव के साथ साथ माया यादव नजर आ रही हैं। ये फिल्म लाडला का सीक्वल है, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। तब से ये फिल्म ब्लैकबस्टर रही थी और उसके दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब इस फिल्म का सीक्वल लाडला 2 के रूप में बनकर तैयार हो चुका है, तो जिसका ट्रेलर 14 अगस्त को रिलीज होगा। माँ बेटे के प्रेम पर बनी यह फिल्म है। अभिनीत सिन्हा का कहना है कि लाडला 2 में माँ बेटे के प्रेम और अनमोल रिश्ते की कहानी है। उन्होंने कहा है कि फिल्म सामाजिक और पारिवारिक मुद्दे पर आधारित है। इसका निर्माण हमने भव्यता के साथ किया है और इस फिल्म का पहला फर्स्ट पार्ट सुपर डुपर हिट रहा था, इसीलिए मैंने इस फिल्म को इस तरह से बनाया है कि कहानी लोगों को एक इंटरटेन करे और उन्हें फिल्म के यूनिक होने का एहसास भी हो। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव की नवीनतम फिल्म लाडला 2 कल यानी कि 22 सितंबर को सिनेमाई घरों में रिलीज हुई है। ये उनकी पिछली फिल्म लाडला का सीक्वल है, जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म माँ और एक बेटे के रिश्ते के बारे में है, जो साबित हुई है कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही है। अब देखें कि सीक्वल जनता के बीच में कैसा प्रदर्शन कर पाता है कि नहीं। यह एक मीडिया हाउस द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो के मुताबिक फिल्म को फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्लिप में प्रशंसक फिल्म का सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वे लाडला 2 फिर से देखेंगे। हम हर आयु वर्ग के प्रशंसकों को फिल्म के प्रीमियम में भाग लेते देख सकते हैं। कुछ प्रशंसकों ने कहा है कि उन्हें लाडला 2 में रोमांस का एंगल और गाने पसंद आए हैं, जबकि अन्य ने कहा है कि यह एक अच्छा पारिवारिक मनोरंजन फिल्म है। लाडला 2 का निर्देशन प्रेमांशु सिंह ने किया है और फिल्म के कलाकारों में खेसारी लाल यादव, मेघा श्री, माया यादव, अमित अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोरा और गजेंद्र प्रताप द्विवेदी शामिल हैं। इसके निर्माता अभय कुमार सिन्हा और सह निर्माता अनिल कुमार सिंह और विवेक कुमार हैं। फिल्म के गीतकार अरविंद तिवारी हैं, विनय निर्मल सत्य समारकर और बबुआ विकास हैं और संगीत ओम ओझा ने संभाला है। रिपोर्ट्सों के मुताबिक पहली फिल्म की शूटिंग देश में हुई थी, जबकि सीक्वल की शूटिंग लंदन में हुई थी। खेसारी लाल यादव को 2011 में फिल्म साजन चली ससुराल से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। उन्होंने 2014 में फिल्म कोयांचल के लिए AK-47 के साथ बॉलीवुड में सिंगिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म ग्लोबल बाबा से डेब्यू किया और उन्होंने इस फिल्म के लिए होली में उड़े नाम से एक गाना भी गाया था। उन्हें 2019 में रियलिटी टीवी शो बिग बॉस हिंदी त्यारा में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में भी देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक प्रेमांशु सिंह कि लाडला 2 में खेसारी लाल के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मेघा श्री और माया यादव अहम रोल में हैं। ये मूवी साल 2015 में आई लाडला का सीक्वल है। फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव ने अपने परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से सुपर हिट डुपर हिट बनाया है। तो भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन यानी कि खेसारी लाल यादव इन दिनों एक से बढ़कर एक भोजपुरी फिल्में ला रहे हैं। इसी बीच अब उनकी फिल्म लाडला 2 का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को लेकर खेसारी लाल बीते काफ़ी वक्त से चर्चा में बने हुए हैं। मूवी का ट्रेलर और सॉन्ग आउट होने के साथ साथ फैंस ने फिल्म के रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गया है। वहीं ट्रेलर ने फैंस की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। ये ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। माँ के प्यार के आगे भूल गई सारी दुनिया, यासी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड कृत और अभिनीत सिन्हा निर्मित भोजपुरी फिल्म लाडला 2 का ट्रेलर आज यानी कि 14 अगस्त को इंटरटेन और रंगीला और यसी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। करीब 4 मिनट के इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक बेटा अपनी माँ के प्यार में पूरी दुनिया को भुला देता है। उसकी माँ ही उसके लिए भगवान है। और इस फिल्म में खेसारी लाल को पानी के लिए जाल बुनती है उनकी प्रेमिका।
तो निर्देशक प्रेमांशु सिंह को लाडला टू में खेसारी लाल के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस मेघाश्री और माया यादव अहम रोल में हैं। ये मूवी साल 2015 में आई लाडला का सीक्वल है। इस मूवी में दिखाया गया है कि खेसारी लाल यादव को पाने के लिए उनकी प्रेमा यानी कि मेघाश्री ना जाने कैसे कैसे चाल चलती हैं। वह खेसारी लाल की माँ से कहती हैं कि उन्हें पति चाहिए, माँ की पल्लू में बंधा हुआ बच्चा नहीं। फिर शुरू होता है माँ और प्रेमिका के बीच की जंग। इस द्वंद्व पर आधारित है लाडला टू। इसके निर्माता अभिनय सिन्हा, इनमें खेसारी लाल यादव के साथ अमित, अजीत शुक्ला, संजय वर्मा, अयाज खान, अनूप अरोरा, गजेंद्र प्रताप द्विवेदी मुख्य भूमिका में अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। लाडला टू फिल्म में एक्ट्रेस हैं मेघाश्री। मेघाश्री जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है, तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो मेघाश्री एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो मुख्य रूप से कन्नड़, तेलुगू और भोजपुरी भाषा की फिल्मों में काम करती नजर आ रही हैं। उन्हें अलौकिक टेलीविजन श्रृंखला नागकन्निके और ज्योति में मुख्य भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म बेंगलुरु कर्नाटक भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता है भारतीय। इनका पेशा है अभिनेत्री और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2015 से वर्तमान तक तो उसी वर्ष तेलुगु फिल्म अनाग नागा ओका चित्र में अभिनय करने से पहले मेघाश्री ने तेलुगु फिल्म पंचमुखी 2015 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और उन्होंने काका का अबाथिन अरिकुरी 2017 से तमिल में डेब्यू किया था और उसी वर्ष उन्होंने फिल्म 22 मार्च से कन्नड़ में पदार्पण किया और ऑक्सीजन में सहायक भूमिका में अभिनय किया था। तब मेघाश्री ने जूनियर एनटीआर की सबसे हिट अरविंद समिता वीरा राघव 2018 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद वो कृष्णा तुलसी 2018, कद्दू मुच्ची 2019 और दशरथ 2019 सहित कई कन्नड़ फिल्मों में दिखाई दी हैं। डेक्कन कार्निकाल द्वारा कृष्ण तुलसी की समीक्षा में समीक्षक ने लिखा है कि मेघाश्री ही हैं जो इस फिल्म में इसके साथ साथ अपनी छाप छोड़ती नजर आ रही हैं। और बाद में उन्होंने कन्नड़ टेलीविजन धारावाहिक नागा कन्निके और इवालू सुजाता में मुख्य भूमिका निभाती नजर आई हैं। वर्ष 2019 में बिग बॉस कन्नड़ सीजन 6 में वर्ल्ड वाइड एंट्री के रूप में दिखाई दी हैं और 2021 में मेघाश्री ने एक अलौकिक टेलीविजन श्रृंखला ज्योति में शीर्षक भूमिका निभाई है जो नंदिनी की अगली कड़ी थी। 2022 में भोजपुरी में डेब्यू करने के बाद उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में फरिश्ता में खेसारी लाल यादव के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म ब्लैकबस्टर रही और पिछले 10 वर्षों के लिए कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लाडला टू में खेसारी लाल यादव ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है। उनके द्वारा निभाया गया रोल माँ और बेटे के बीच का अहम रोल है, तो इस रोल को इन्होंने अपनी बखूबी अंदाज और तरीके से निभाया है। तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। दर्शकों ने इनकी काफ़ी सराहनाएं भी की हैं। जिन्हें पेशेवर रूप से खेसारी लाल यादव के नाम से जाना जाता है और वो एक भारतीय अभिनेता, गायक, नर्तक और मॉडल भी हैं जो मुख्य रूप से भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं और इनिशियलजिम के LY के नाम से भी जाने जाते हैं। यादव 70 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए हैं और 5000 से अधिक गानों में गायक के रूप में प्रदर्शन किया है। उन्होंने भोजपुरी के अलावा हिंदी, अवधी और हरियाणवी भाषाओं में भी काम किया है। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म शत्रुघ्न कुमार यादव के नाम से हुआ था, जिन्हें 15 मार्च 1986 को इनका जन्म हुआ था और धानाडीह सरण विहार भारत में इनका जन्म हुआ था। इनका व्यवसाय अभिनेता, गायक और नर्तक भी हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 2011 से वर्तमान तक और इन्हें जाना जाता है गायना सैया आई अरब गईले ना और इनकी जीवन संगनी हैं चंदा देवी। इनके 2 बच्चे हैं और बिहार के छपरा में जन्मे खेसारी लाल यादव ने 2000 के दशक के अंत में अपना गायन करियर शुरू किया और वर्ष 2011 में साजन चले ससुराल में दिखाई देने के बाद उनका अभिनय करियर स्थिर रहा था। उन्होंने 2014 में फिल्म कोयांचल में AK-47 के साथ एक गायक के रूप में बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और उन्होंने 2016 के भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार जीता और इसके बाद 2018 में मेहंदी लगा के रखना में अपनी उपस्थिति के सबरंग फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार जीता था। वर्ष 2019 में उन्होंने फिल्म संघर्ष में अपनी भूमिका के लिए 4 और पुरस्कार जीते हैं। वर्ष 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 11 में भाग लिया और वर्ष 2020 में उनका तीसरा हिंदी फिल्म गीत और पहला हिंदी भाषा का एकल
लड़की पटाना सोनी म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद वर्ष 2021 में तेरे मेरे दरमियान आया। इसके तुरंत बाद उन्होंने बादशाह के साथ सहयोग किया और पानी पानी गाने को भोजपुरी भाषा में दोबारा बनाने के लिए उन्होंने वर्ष 2022 में उन्होंने अपनी फिल्म आस्किम से पटकथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और यूट्यूब ने 2022 के शीर्षक भारतीय गीतों की सूची में उनके दो गीतों को शामिल किया था। खेसारी लाल यादव का जन्म शत्रुघ्न कुमार यादव के रूप में 15 मार्च 1986 को बिहार के सरण जिले के थानाडीह गांव में हुआ था। वे कम आय वाले परिवार से थे। बचपन में उनकी अधिक बोलने की आदत के कारण उन्हें मंच पर नाम खेसारी मिला, जो खेसारी के साथ सम्मान था। एक फसल जिसे किसी ने पानी या उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है और कहीं भी ठीक उगती है। उनका जन्म अपने घर में नहीं हुआ था क्योंकि उनके माता पिता का मिट्टी का घर बारिश में ढह गया था और उन्हें एक पक्का घर किराए पर लेना पड़ा था। जहां खेसारी लाल यादव जी का जन्म हुआ था, उनके पिता मंगरू लाल यादव घर का खर्च चलाने के लिए सुबह सड़क पर चना बेचा करते थे और रात में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया करते थे। खेसारी लाल यादव 7 भाई बहनों में से एक हैं, जिनमें से 3 उनके भाई हैं और अन्य 4 चाचा के बेटे हैं, जिनकी मां की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। उन्हें पालने के लिए खेसारी लाल की मां आगे आई। उनके पिता दिल्ली में कमाते थे और वो अपनी मां और चाचा के साथ छपरा में रहते थे। बाद में उनकी मां भी घर के कामों में अपने पति की मदद करने के लिए दिल्ली चली गई थी और खेसारी लाल अपने भाई बहनों और चाचा के साथ रहने लगे थे। खेसारी लाल यादव बचपन में मवेशी चराया करते थे और उनका दूध बेचते थे। उनका विवाह चंदा देवी से हुआ था, जिसने उन्होंने 2006 में विवाह किया था और कहा जाता है कि यादव अपनी पत्नी के पति बहुत समर्पित थे। उन्हें अपना भाग्यशाली आकर्षण कहते थे और उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। सन 1998 और 99 के दौरान खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी थिएटरों में एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जहाँ वह रामायण और महाभारत में गाते थे। उन्होंने भोजपुरी लोक नृत्य लौंडा नाच भी सीखा। बाद में वो दिल्ली के ओखला भी चले गए थे, जहां उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी के साथ लिट्टी चोखा बेचना शुरू कर दिया था। लिट्टी चोखा बेचने के बाद बचाए गए पैसों से उन्होंने 12,000 खर्च करके अपना एक एल्बम लॉन्च किया था, लेकिन ये एक बड़ी फ्लॉप रही थी। इसके बाद उन्होंने गुड्डू रंगीला के साथ नौकर के रूप में काम करना शुरू किया था उनके घर में, जो उन दिनों एक प्रसिद्ध भोजपुरी गायक थे। कुछ पैसे बचाने के बाद उन्होंने फिर से अपना दूसरा एल्बम लॉन्च किया था 25,000 रुपये खर्च करके, जिसे दर्शकों से बेहतर प्रतिक्रिया मिली और उन्हें कुछ प्रसिद्धि भी मिली थी। उसके बाद उन्हें विभिन्न संगीत कंपनियों से परियोजनाओं में निवेश मिलना शुरू हो गया था, लेकिन मार्केटिंग उन्हें खुद ही करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में बताया था कि वो खुद बिहार और यूपी के कई जिलों में अपना एल्बम कैसेट का प्रचार करते थे। दिन में रात में जहाँ भी गायन और नृत्य का कार्यक्रम होता, वो ट्रेन से जाते थे और वहाँ साउंड ऑपरेटर को कुछ पैसे देकर अपना गाना बजाने के लिए कहते थे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मान भी जाते थे, लेकिन कुछ लोग गाली गलौज पर उतर आते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी उनके पैसे ऐसे ही खर्च हो जाया करते थे और कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, इसीलिए वो बिना खाए ही सो जाते थे। गायक के रूप में सफलता पाने के बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई चले गए थे। खेसारी लाल यादव ने खुलासा किया कि मनोज तिवारी के मैनेजर ने उन्हें गुपचुप तरीके से तिवारी के घर पर रखा था और इस अवधि में उन्होंने लड़ाई सीखी और फिर आलोक कुमार के साथ साजन चले ससुराल में अभिनय किया, जो हिट रही और एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं खेसारी लाल यादव के जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा था। तो उन्होंने 2012 में उन्होंने भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनमें से उन्होंने साजन की मुख्य भूमिका निभाई और एक गांव का लड़का है जो उस लड़की से शादी करने के लिए शहर जाता है। उसके साथ उसकी शादी बचपन में तय हुई है। उनकी दूसरी फिल्म है जान तेरे नाम थी, जिसमें उन्होंने एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया था जो अभिनेता बनना चाहता था। अक्षय कुमार अपने एक लेख में लिखते हैं कि फिल्म सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में एक संवाद स्थापित करती है जो संपाति परिवार को चुनौती देती है और उसकी विकृत चिंताओं को जागृत करती है। 2012 और 16 के बीच उन्होंने नागिन 2012, ए बलमा बिहार वाला 2013, छपरा एक्सप्रेस 2013 और प्रतिज्ञा 2 2014 और खिलाड़ी 2016 सहित 42 भोजपुरी फिल्में की हैं, जिन्होंने सर्वंग फिल्म अवार्ड्स में 4 पुरस्कार जीते हैं। सन 2016 में उन्होंने ग्लोबल बाबा में अपनी हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जिनमें उन्होंने होली में उड़े नामक एक गाना गाया और
इसमें संदीपा धर और पंगत त्रिपाठी के साथ प्रदर्शन भी किया था। मेहंदी लगा के रखना 2017 में उनकी भूमिका के लिए, जो तेलुगु फिल्म अदावरी मतलाकू अर्थले वेलू का रीमेक है। उन्होंने सबरंग फिल्म अवार्ड्स 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता था। माई सेहरा बांध के आऊँगा 2017, मुकद्दर 2017, डमरू 2018, दुल्हन गंगा पार के 2018 जैसी फिल्में करने के बाद वो संघर्ष 2018 में दिखाई दिए थे, जो नारे का समर्थन करने वाली एक सामाजिक फिल्म थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिल्म के अलग अलग अवार्ड शो में 19 अवार्ड जीते थे। सन 2018 में खेसारी लाल यादव ने नागदेव में अभिनय किया था, जो VFX का उपयोग करने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी। फिल्म के लगभग 40% दृश्यों में से VFX का उपयोग किया गया था और ये VFX का उपयोग करने वाली पहली भोजपुरी फिल्म थी। इस अवधि में उनकी अन्य फिल्में बलम जी लव यू 2018, दबंग सरकार 2018, कुली नंबर 1 2019 है। उनकी फिल्म बागी अयोध्या एक देश भक्ति फिल्म थी, जिसमें मुजफ्फरपुर आश्रम मामले के बारे में विवाद की गई थी। उन्होंने भाग केसारी भाग 2019 नाम की एक स्पोर्ट फिल्म भी की थी, जो 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस में एक प्रतियोगी के रूप में भाग लेकर टेलीविजन पर भी अपनी शुरुआत की थी। और उनकी फिल्म मेहंदी लगा के रखना 3 2020 तमिल फिल्म वेलैया पट्टाधारी की रीमेक है। उनकी दुल्हन वही जो पिया मन भावे 2021 विदेश में शूट होने वाली पहली फिल्म थी। फिल्म का 90% हिस्सा लंदन में शूट किया गया था और 2021 में उनकी 3 और फिल्में विदेशों में शूट की गई थी। चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार किया तो निभाना शूटिंग लंदन में हुई थी, जबकि सैया अरब गैलेना की शूटिंग दुबई में हुई थी। 2022 में उनकी पहली रिलीज थी आशिकी, जिसमें उन्होंने पटक कथा लेखक के रूप में अपनी शुरुआत की और एक उच्च जाति के लड़के की भूमिका निभाई जो अपने प्यार के लिए पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। उन्होंने अगली बार शादी हो तो ऐसी में अभिनय किया, जो मई में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने दुल्हनिया लंदन से लाएंगे में अभिनय किया था, जिसे लंदन में शूट किया गया था और उनके सह कलाकार ब्रिटिश कलाकार ग्रेस रोडर्स और मधु शर्मा थे। उनकी अगली फिल्म राउडी इंस्पेक्टर अगस्त 2022 में भारत के कुछ हिस्सों में अलग अलग तरीकों पर और अलग अलग तारीखों पर रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशन तेलुगु में किया था, जिसे निर्देशक शंकर ने किया था। मेघाश्री ने यादव के साथ मुख्य भूमिका निभाई और उनकी भोजपुरी पहली फिल्म थी। अगस्त 2022 में उन्होंने सपना चौधरी के साथ म्यूजिक एल्बम मटक मटक से हरियाणवी डेब्यू किया था। उनकी अगली भोजपुरी फिल्म डोली सजा के रखना सितंबर 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म को 25 मल्टीप्लेक्स सहित भारत और नेपाल में कई स्क्रीन मिली। इसे 24 अक्टूबर को उनकी फिल्म बोल राधा बोल रिलीज हुई थी, जो 2022 की उनकी आखिरी फिल्म राजा की आएगी बारात थी, जो दिसंबर में रिलीज हुई थी। 2023 में उनकी पहली फिल्म फरिश्ता थी, जो 9 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का किरदार निभाते नजर आ रहे थे। ये फिल्म 2023 की सबसे बड़ी भोजपुरी हिट थी। सिनेमाई घरों में हफ्तों तक हाउसफुल चलती रही थी। उसके बाद लाडला 2 सितंबर 2023 में रिलीज हुई और अक्टूबर में उन्होंने संघर्ष